हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमाकांत पुरोहित है। आई होप सम ऑफ यू नो मी। कुछ कुछ यहाँ पर नए हैं, कुछ मेरे दोस्त पहले से मुझे जानते हैं। हम लोग यहाँ पर ये करने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए बनते हैं वो क्विकली करने वाले हैं। इसके साथ साथ में इससे रिलेटेड कोई भी स्टैटिक जीके का भी अगर क्वेश्चन बन सकता है, अगर कोई भी टॉपिक मुझे ऐसा लगता है तो उसे भी मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा। थोड़ा सा ये मैं चाहता हूँ कि हम इसको क्विकली करते जाए क्योंकि अब अपने पास में टाइम कम है। कहीं पर भी कुछ भी समझ नहीं आए तो उसी टाइम पे पूछ लो। अगर थोड़ी हेजिटेशन हो रही है कि नहीं पूछ पा रहे हैं या तेज चल रहा है तो क्लास के बाद में भी आप पूछ लेना। मेन हमारा मकसद ये है कि आप सबका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन अगर इन सब चीज़ों में से आता है तो आपका गलत नहीं हो। वैसे तो मैं ये किया करता हूँ कि पूरा ऐसे मतलब लंबा समझा समझू के चलता हूँ, ऐसे इनको पता होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं मेरा पैटर्न चेंज करूंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्विकली चलने की कोशिश करूंगा। और लैंग्वेज मेरी हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी जैसी अपन आम बोलचाल में बोलते हैं वैसी रहेगी। स्लाइड्स मेरी इंग्लिश के अंदर रहेगी, डिस्क्राइब मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हुए चलूंगा। आई होप किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। शुरू करते हैं अपन। तो अपन इस क्लास में टारगेट करेंगे अक्टूबर के वो करंट अफेयर टॉपिक्स जिनसे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो देखो कि अपन शुरुआत कर रहे हैं अक्टूबर से नए नए इनिशिएटिव्स। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है ये, उमाकांत पुरोहित नाम से ही। इसके ऊपर नए नए इनिशिएटिव्स मैं शुरू कर रहा हूँ और कई सारे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं उनकी भी एक पूरी सीरीज इसी यूट्यूब चैनल पे शुरू कर रहा हूँ। इसके अलावा और कोई भी वन लाइनर्स, क्वेश्चन क्विजेज, ये सब मेरा टेलीग्राम है इसके ऊपर करवा रहा हूँ। कोई भी पर्सनल क्वेरी हो, यहाँ पर नहीं पूछ पा रहे हो तो मैसेज करना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले देखो, अक्टूबर जब शुरू हुआ इस टाइम पे सबसे बड़ी न्यूज़ ये थी कि हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की और इस बैठक के अंदर इन्होंने रेपो रेट, जो आरबीआई की बेंचमार्क रेट मानी जाती है, इसे हाइक किया है। आई होप आरबीआई क्या है सबको क्लियर होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सबको है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांता दास जी और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसकी हर 3 महीने के अंदर बैठक होती है और ये डिसाइड करते हैं कि देश के अंदर किस तरीके से अर्थव्यवस्था को चलाना चाहिए। महंगाई अगर बढ़ रही होती है तो रेपो रेट जो है इसे इंक्रीज किया जाता है। अब रेपो रेट क्या है तो देखो, मैंने यहाँ पर आपके लिए टेबल बना दी है। रेपो रेट वर्तमान में कर दी गई है 5.9%। सीधा सवाल आ सकता है कि वर्तमान में रेपो रेट कितनी है, तो 5.90% अभी वर्तमान में रेपो रेट है। अब काम क्या है इसका, आरबीआई शॉर्ट टर्म पे लोन देता है अपने क्लाइंट्स को। क्लाइंट्स आप और मैं नहीं हो सकते हैं। आरबीआई के अंदर हमेशा जो बैंक्स होते हैं उनके खाते खोले जाते हैं, तो आरबीआई जो बैंक्स है उनको शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, वो रेट होती है रेपो रेट। जैसे अपन बैंक के अंदर जाते हैं कि भैया लोन चाहिए 5%, 10%, 11% जो भी होता है, ठीक वैसे ही उसी रेट पे आरबीआई लोन देता है बैंक्स को, इसे कहा जाता है रेपो रेट। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब भी जब अपन लोन लेने जाते हैं तो अपने से वो कुछ ना कुछ गिरवी रखवाते हैं, जैसे हाउस लोन लेना होता है तो वो घर का पट्टा रखवा लेते हैं, ठीक वैसे ही आरबीआई भी बैंक से कहता है कि भैया कुछ दो। तो वो बैंक क्या देंगे, वो देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब जी सैक क्या है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे सरकार को जब पैसा चाहिए होता है पब्लिक एट लार्ज से तो वो क्या करते हैं, कैसे पेपर सा लेते हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं कि ये इतना रुपया आप हमको दीजिए, इतने साल के लिए दीजिए, आपको इतने साल बाद में ये पैसा और इसके साथ में इंटरेस्ट मिलेगा, इसे कहा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जी सैक। तो अब आरबीआई क्या करता है, बैंक से ये जी सैक ले लेता है और उनको लोन दे देता है। अब ये कब बढ़ाया जाता है, आजकल ये क्वेश्चन मैं कई मॉक्स के अंदर देख रहा हूँ कि रेपो रेट कब बढ़ाई जाती है, तो जब देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी तब रेपो रेट बढ़ाई जाएगी। इसके पीछे का कारण ये है कि ये माना जाता है कि जब लोन्स महंगे अगर कर दिए जाए तो मार्केट के अंदर पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर आएगा। तो अभी अगर आप रोजाना न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आ रहा है कि यूएस है वो भी अपना जो फेडरल रिजर्व है वो अपनी रेट हाइक कर रहा है, आरबीआई भी कर रहा है, आगे भी करने वाले हैं, तो इसके कारण से महंगी की जाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रेपो रेट कब ऊपर की जाती है, कब ज्यादा की जाती है, तो जब महंगाई को काबू करना है तब रेपो रेट है इसे बढ़ा दिया जाता है, और जब रेपो महंगाई अगर नीचे चल रही है, जैसे लॉकडाउन के समय पे मंदी चल रही थी, अगर बूम लाना है तो वापस से क्या करेंगे, लोन सस्ते कर देंगे, मतलब रेपो रेट जो है इसे कम कर देंगे। रेपो रेट यहां तक समझ आया। अब रिवर्स रेपो इसका ठीक उल्टा है। देख, रिवर्स रेपो हमेशा रेपो से कम ही रहता है। यहां पर क्या करता है कि क्लाइंट
क्लाइंट मतलब बैंक्स, बैंक्स अपना जो सरप्लस फंड उनके पास में है वो लेकर के आरबीआई को दे देता है, और आरबीआई यहाँ पर इनको बदले में इंटरेस्ट देता है। ठीक है, ये हो गया अपना रिवर्स रेपो। अब ये बैंक इसलिए ऐसा क्यों करते हैं कि बैंक के पास में मान लो पैसा बच गया तो वो पास में रख के क्या करेंगे, उनको इंटरेस्ट कमाएंगे तभी तो उनका बिजनेस चलता रहेगा। तो इसीलिए बैंक जो अपना है सरप्लस फंड वो आरबीआई के पास में रख देते हैं, और कोरोना के टाइम पे कोई भी लोन ले नहीं रहा था तो उस टाइम पे बैंक्स ने अपना बहुत सारा फंड जो है वो आरबीआई के पास में जमा कर दिया था। तो अब यहाँ पे भी ये क्या होता है कि आरबीआई इनको जी सैक है ये कोलेटरल के रूप में आरबीआई देती है इनसे पैसा लेने के लिए। ये हो गया रेपो रिवर्स रेपो। इसके बाद में आता है एसडीएफ। एसडीएफ क्या है, यहाँ पर रिवर्स रेपो वाली मौज कर रहे हैं क्लाइंट्स, पर क्या हो रहा है यहाँ पर इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलैटरल के लिए नहीं देनी पड़ती है। और इसके बाद में आती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये भी रेपो टाइप ही टूल है, मतलब इसके अंदर भी क्लाइंट्स ही आरबीआई से लोन लेते हैं, पर ये सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के लिए है विद सम टर्म्स एंड कंडीशन कि कौन सा गवर्नमेंट सिक्योरिटी देना पड़ेगा कौन सा नहीं। मेन फोकस जो अपन जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं वहां पर इन दो रेट्स के ऊपर ज्यादा रहता है। ये पूरा यहां तक समझ आया? अब यहां पर एक टर्म उठ करके आई है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, पता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है कि आरबीआई एक्ट बनाया गया है 1934 के अंदर, 1934 के अंदर बनाया गया। अब क्या हुआ कि 2016 जब आया मोदी सरकार आई थी इसके बाद में इन्होंने किया कि इस एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए, संशोधन। संशोधन करने के बाद में इस एक्ट के अंदर इन्होंने बनाई एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसको मुख्य काम दिया गया कि ये मेंटेन करेगी प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, विकास भी होना चाहिए और इस साथ साथ में महंगाई जो है वो काबू रहनी चाहिए। अब यहाँ पर बार बार शब्द आ रहा है महंगाई, आखिर कौन से टर्म को माना जाए कि यहां से इसके कारण से महंगाई है या ये है तब महंगाई होगी या नहीं होगी। तो यहां पर एक चीज उठ करके आती है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक तरीके का सूचकांक होता है जिसके अंदर ये मेन फोकस करता है कंज्यूमर मतलब रिटेल, जो महंगाई बढ़ रही है जो अपन चीनी लेने जाते हैं चावल लेने जाते हैं ये वाली महंगाई। इसके अंदर भी फिक्स कर रखा है 4% का टारगेट, 4% प्लस माइनस 2%, मतलब हम कह सकते हैं कि सीपीआई अगर 2 to 6% है, इतना टारगेट इनको दिया हुआ है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इनका मेन फोकस रहेगा कि 2 से 6% तक देश के अंदर जो महंगाई है वो रहनी चाहिए। अगर इससे ऊपर जाती है और लगातार 3 तिमाही तक ऊपर चली जाती है मतलब 9 महीने तक अगर लगातार 6% से ज्यादा है तो फिर आरबीआई को लिखित के अंदर जवाब देना पड़ता है केंद्र सरकार को, ऐसा इस एक्ट के अंदर कहा गया है। और हाल ही के अंदर ऐसी घटना हुई है, अभी इसी 3 नवंबर को आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की पहली बार ऐसी बैठक हुई है जिसके अंदर इन्होंने मीटिंग की और लिखित के अंदर सरकार को जवाब देना पड़ा है। ये भी न्यूज के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अभी बनी हुई है, काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है, ऑपोजिशन है वो इसके ऊपर भी कर रहे हैं। और करंट अफेयर्स का सीधा सीधा फंडा ये है कि जो चीजें न्यूज के अंदर बनी रहती है वो सब करंट अफेयर्स के अंदर है, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यहां तक समझ आया? अब यहाँ पर आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, मतलब कोई भी आरबीआई का गवर्नर होगा चाहे सर हो चाहे मैम हो कोई भी हो, जैसे वर्तमान में मिस्टर शक्तिकांता दास जो है वो आरबीआई के गवर्नर हैं, तो वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे। ये 6 मेंबर की कमेटी होती है जिसके 3 मेंबर जो है वो सरकार से मतलब आरबीआई से आते हैं और 3 मेंबर जो है वो बाहर से होते हैं, तो 6 मेंबर कमेटी। अब आपसे क्वेश्चन एक बार यूपीएससी पूछ चुका है कि भाई ये जो एमपीसी है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कौन करता है, आरबीआई का गवर्नर करता है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि पहले ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी इसको 5 साल के लिए टारगेट दिया गया था कि 2 से 6% का ये टारगेट रखेंगे। अब इसे फिर एक बार से बढ़ा करके 5 साल और बढ़ा दिया, 31 मार्च 2026 तक अब इनका ये टारगेट रहने वाला है। और बाकी सारी चीजें देखो मैंने यहाँ पर लिख दी है कि 9 मंथ्स रहता है इनका, 9 मंथ तक अगर नहीं हो तो इनको लिखित के अंदर जवाब देना पड़ता है, ये सब। यहाँ तक क्लियर चलें? अब ये क्या है कि वैसे तो कोई इतनी बड़ी न्यूज नहीं है हमारे देश के लिए, पर हो सकता है उड़ते उड़ते कोई क्वेश्चन पूछ ले। यहाँ पर देखो 2-3 चीजें हमें हमारे को याद रखने की जरूरत है। इंडोनेशिया के अंदर एक फुटबॉल मैच हो रहा था,
उस फुटबॉल मैच के अंदर क्या हुआ कि एक टीम हारने लगी तो उस टीम के सपोर्टर है वो मैदान के अंदर आ गए, मैदान के अंदर आ गए तो वहां पर पुलिस ने वो आंसू गैस वाले गोले छोड़ दिए जो कि फीफा के द्वारा मना किया हुआ है। अपने लिए ये न्यूज रेलेवेंट नहीं है, पर अपने लिए न्यूज रेलेवेंट क्या है, यहाँ पर स्टेडियम का नाम आया है कंजुरुहान स्टेडियम। अगर पूछ ले कंजुरुहान स्टेडियम कहाँ पर, तो कहाँ पर है, इंडोनेशिया के अंदर है। ये ऐसी चीजें हैं जो अगर क्लिक कर गई उस समय पर तो क्लिक कर गई, नहीं क्लिक की तो फिर कोई बात नहीं। यहाँ पर कंजुरुहान स्टेडियम है इंडोनेशिया के अंदर और इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रोविंस के अंदर पड़ता है। अब बात यहाँ पर इंडोनेशिया की आई है तो एक बार क्विकली मैप को देख लेते हैं। ये है इंडोनेशिया का मैप। इंडोनेशिया में देखिए यहाँ पर ये पड़ता है जावा, ये पड़ता है सुमात्रा और ये पड़ता है बोर्नियो। ये मैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आजकल मैपिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं राइट, इसलिए ये पीडीएफ आपको सबको मिलेगी। मैप को आराम से ऑब्जर्व करिए, आसपास में कौन कौन से सीज पड़ते हैं, सुलुवस कहाँ पड़ता है, सेलेबस कहाँ पड़ता है, सुंडा आइलैंड कहाँ पर है, जावा सुमात्रा में पहले कौन सा है। देखो हमेशा हम जब इंडोनेशिया के द्वीपों की बात करते हैं तो पहले नाम लेते हैं जावा, फिर लेते हैं सुमात्रा, ऐसे ही करते हैं याद, ऐसे ही करते हैं, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया के अंदर आते हैं। और ऐसे ही करके एक बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि भारत के पास में सबसे पास में इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप पड़ता है, तो नॉर्मली सब जावा जावा करते हैं और वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि पड़ता है सुमात्रा, यहाँ पर पास में ही पड़ता है देखो अंडमान द्वीप समूह हमारा, और इससे बेहद कम दूरी पर ही सुमात्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया का वो पड़ता है। यहाँ तक क्लियर? मैप एक बार आपको, मैप बार बार आप ऑब्जर्व करते रहिए, आई होप एटलस होगी सबके पास में, नहीं है तो ऑनलाइन आप मैप देख लिया करो, जब भी खाली बैठे हो मैप देखा करो। और ये देखो एक बार मैंने और मैप यहाँ पर लगाया, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, ये अपना भारत, भारत का हिस्सा है यहाँ पर अंडमान निकोबार, और इसी के पास में ये पड़ता है सुमात्रा और फिर जावा। आज का अखबार पढ़ा क्या? मेरे YouTube चैनल पे डेली करंट अफेयर्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो है वो उनको पढ़ने में लगभग 5 घंटे लग जाते हैं, उसका एक समरी वीडियो मैं डालता हूँ रोजाना 10 से 11 बजे, 10-12 मिनट का वीडियो होता है जिसके अंदर ये ऐसे ही पैटर्न पे चलता हूँ मैं कि करंट अफेयर्स, उसके साथ साथ में अगर कोई भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रहती है वो भी डालता हूँ। अभी तो आई थिंक फिजिबल नहीं रहेगा इतना, बाकी जब टाइम मिले तब उसको रोज सुना करो, उससे आपको जो करंट अपडेट्स है लगातार वो मिलती रहेगी। तो अब अगली अपने आ जाती है माई गव, एक प्लेटफॉर्म है सरकार का, जब नई मोदी सरकार 2014 के अंदर आई थी इसके बाद में माई गव प्लेटफॉर्म बनाया गया था और अब इसका नया सीईओ बनाया गया है। तो सीधा सवाल आ सकता है कि वर्तमान में माई गव प्लेटफॉर्म के सीईओ कौन है, तो ये है मिस्टर आकाश त्रिपाठी, आईएएस ऑफिसर है ये 1998 बैच के एमपी कैडर के, और इन्हें अब बनाया गया है सीईओ ऑफ माई गव। माई गव प्लेटफॉर्म जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो मंत्रालय है के अधीन में आता है। वर्तमान में इसके मंत्री कौन है बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, के पास में इसका भी चार्ज है, राजीव चंद्रशेखरन जो है वो एमओएस है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इनके। अब देखो माई गव प्लेटफॉर्म क्या है, तो माई गव प्लेटफॉर्म जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया है एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म। पहले क्या होता था, सरकार अपने हिसाब से कोई भी पॉलिसी ले आती और फिर अपने को कह देती कि देखो ये पॉलिसी लेकर के आए, अपने अपने लिए बना रहे हैं और अपने से ही पूछा नहीं जा रहा था। ये जब सरकार आई नहीं तब इन्होंने क्या किया कि हम एक सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाएंगे, इस प्लेटफॉर्म पे जाके ये सरकार अपनी पूरी जो भी पॉलिसीज वगैरह होती है रखते हैं कि आप बताइए आपकी राय क्या है, क्या पॉलिसी फॉर्मेशन करना चाहिए, ये सब ये जो माई गव प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर रखा जाता है। वर्तमान में इसके ऊपर 24.5 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स है माई गव। यहाँ तक क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन के अंदर आता है, वर्तमान में इसका सीईओ आकाश त्रिपाठी को बनाया गया है। चलते हैं आगे, मिस्टर अजय भादु जो है इनको डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है हमारे जो भारतीय चुनाव आयोग है इसके अंदर। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चुनाव आयोग के अंदर
कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? क्या हमारे संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होंगे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसके अंदर सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में ही लिखा गया है। ये प्रेसिडेंट साहब के ऊपर है कि वो कितने लोगों को चुनाव आयुक्त बनाए और कितनों को नहीं, तो ये क्लियर रखना। ऐसे अगर आ जाए कि भारत के संविधान के अंदर 3 चुनाव आयुक्त का प्रावधान है तो वो गलत है, एक का ही लिखा हुआ है, इसके बाद में प्रेसिडेंट के ऊपर है। हो सकता है आगे जाके प्रेसिडेंट को लगे कि 10 को बनाना चाहिए तो वो 10 को भी बना सकते हैं। यहाँ पर अजय बादू जो है इनको डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, ये गुजरात काडर से आते हैं, 1999 बैच के IAS ऑफिसर है और इनको 24 जुलाई 2024 तक अपॉइंट किया गया है। अब इनको अपॉइंट किया जाता है भारत में जितने भी ये बड़े बड़े जो पद है इन सब के ऊपर राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, इनका भी अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया गया है। अब इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ अपन चलते हैं। आर्टिकल 324 जो है ये बताता है कि भारत के अंदर एक चुनाव आयोग होगा और चुनाव आयोग का मुख्य काम भारत के अंदर 4 चुनाव करवाने का है। कौन कौन से? सबसे पहले अपने विधायक जी वाले, दूसरे अपने सांसद महोदय वाले, इसके बाद में राष्ट्रपति महोदय और इसके बाद में अपने उपराष्ट्रपति महोदय। ये 4 ही चुनाव चुनाव आयोग करवाता है, भारत का मुख्य चुनाव आयोग जो है वो। अब सवाल आता है कि ये अपना पंचायत चुनाव ये सब कौन करवाता है? ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, मुख्य चुनाव आयोग का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक तो काम ये करवा लेंगे कि ये 4 चुनाव करवाएंगे, इसके अलावा जो वोटर लिस्ट होती है जिनको इलेक्टोरल रोल्स कहा जाता है वो भी चुनाव आयोग ही तैयार करता है। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग इसके अंदर दिया हुआ है। तो अगर पूछ ले कि कौन से अनुच्छेद के अंदर या कौन से आर्टिकल के अंदर चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल 324 के अंदर ही पूरा इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, ये सब इसके अंदर ही बताया हुआ है। आगे चलें, और एक रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है सुजलॉन एनर्जी, गुजरात का जो कच्छ रीजन है इसके अंदर ज्यादातर इनका इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर ये ऐसा ये जो अपने को दिख रहा है पवन चक्की वाला सिस्टम जो है इसकी एक कंपनी है सुजलॉन, इसके MD थे और फाउंडर चेयरमैन थे मिस्टर तुलसी तांटी, इनकी डेथ हो चुकी है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि सुजलॉन एनर्जी कंपनी कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से, या फिर हाल ही में तुलसी तांटी का निधन हुआ वो कौन किस कंपनी के MD CEO थे, सुजलॉन एनर्जी के थे। सुजलॉन एनर्जी कौन से क्षेत्र से आती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र से आती है। तो ये 3-4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं, नोबेल प्राइज अक्टूबर मंथ के अंदर ही ज्यादातर दिए गए थे तो अपन क्विकली क्विकली नोबेल प्राइज भी यहीं पर कवर करते चलेंगे। तो इस बार सावंते पाबो जो है इनको नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन का 2022 का। यहाँ पर इन्होंने मुख्य काम देखो इनका क्या है, इन्होंने ये बताया कि जो अपने पूर्वज हुआ करते थे हजारों साल पहले उनमें और अब अपने में अपने जो जीन्स है वो पहले की तुलना में थोड़े से परिवर्तित हुए हैं। मेन इनकी जो रिसर्च है वो इसके ऊपर है। तो किसको दिया गया है नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन 2022? सावंते पाबो। कहाँ से आते हैं ये? स्वीडन से आते हैं। इसके अलावा ऐसे तो इन्फॉर्मेशन बहुत रह जाएगी, बहुत कुछ अपने को इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, पर जनरली यही रहता है कि नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन 2022 किसे दिया गया? सावंते पाबो। कहाँ से आते हैं? स्वीडन से आते हैं। रिसर्च क्या है इनकी कि तो जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की हुई है। इसके बाद में रामानुजन प्राइज 2022 जो है वो यंकिंग तांग को दिया गया है। तो सीधा सवाल आएगा रामानुजन प्राइज 2022 किसे दिया गया है? प्राइजेस काफी आते हैं SSC के अंदर, प्राइज स्पोर्ट्स ये सब डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसके अंदर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है सस्त्रा रामानुजन प्राइज 2022, तो ये दिया गया है यंकिंग तांग को। यंकिंग तांग जो है वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर। ये अवार्ड जो दिया जाता है ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है शानमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी, जिसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया है सस्त्रा। ये 2005 के अंदर शुरू किया गया था, इसके अंदर इनाम दे देते हैं US$10,000 का। इसके अलावा ये एनुअली दिया जाता है और उनको दिया जाता है जिनकी एज 32 साल से कम है और इन्होंने मैथ्स के क्षेत्र के अंदर कोई बहुत सिग्निफिकेंट वर्क किया हो, इसके लिए दिया जाता है। रामानुजन वैसे भी अपने भारत से हैं, किस क्षेत्र से हैं? गणित से हैं, तो इसीलिए किस
क्षेत्र के अंदर दिया जाएगा, तो जिसने 32 साल की उम्र है, गणित के अंदर बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट काम किया है, इसे दिया जाएगा। 2022 का दिया गया है मिस्टर यंकिंग तांग को। चलते हैं आगे। अब मिस्टर रामानुजन है, इनके बारे में ये है कि ये इनका जन्म भारत के अंदर ही हुआ था, तमिलनाडु के अंदर, और इनका जो जन्म दिवस है इसी को मनाया जाता है नेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, 22 दिसंबर को। एक सवाल ये पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, और ये हाल ही के अंदर 2011-12 की बात है जब से भारत के अंदर ये मनाना शुरू किया गया है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। रामानुजन जो थे उनकी बर्थडे के अवसर पर मनाया जाता है। समझ तो आ रहा है या तेज चल रहे हैं अपन? यहाँ तक सही है? अब भारत के अंदर ही बनाया हुआ LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है प्रचंड, इसे अब इंडियन एयर फोर्स के अंदर ले लिया गया है। अब ये जो इंडिजीनियसली डिजाइन और डेवलप है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये इसके अंदर दो इंजन काम करेंगे, ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है जिसे फॉर्मली इंडक्ट किया गया है एयर फोर्स की 143 हेलीकॉप्टर यूनिट, जिसका नाम है धनुष। जो एयर फोर्स की यूनिट है इसका नाम है धनुष, जिसके अंदर ये LCH प्रचंड जो है जिसे भारत के अंदर ही बनाया गया है इसे लिया गया है। अब ये जो धनुष अभी हेलीकॉप्टर यूनिट है ये जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर इसको अभी लगाया हुआ है, और आज के ही अखबार के अंदर आया है कि अब इसे जो चाइना का बॉर्डर है उधर भी एक यूनिट लगाई जाएगी LCH प्रचंड की। ये जो हाँ एक एक ये बनाया गया है और एक वो तेजस बनाया गया है, तेजर है वो जेट है और ये हेलीकॉप्टर है। प्रचंड जो है इसे डिजाइन और डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, और ये जो है वो 5 to 8 टन क्लास डेडिकेटेड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, मतलब इतना वेट ये उठा सकता है। और ये मेन प्रॉब्लम जो आई थी वो जब कारगिल वॉर हुआ था उस समय पर आई थी। वहां पर क्या है कि अपने को अब ऊंचाई पे लड़ना पड़ रहा था और वहां से लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम थी, ऊंचाई से कैसे लेकर के जाए, प्लेन लैंड हो नहीं सकता, हेलीकॉप्टर अपने पास में इतनी क्षमता का नहीं था, और बाकी जो अभी देश अपने इतने मित्र बने हुए हैं वो उस टाइम पे दगा दे गए थे। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जरूरत महसूस हुई, और अब ये जो है इनकी एल्टीट्यूड लगभग 5,000 मीटर, 16,400 फीट तक की ऊंचाई पे ये टेक ऑफ भी कर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं। ये भारत के अंदर ही बनाया गया है। कंसिडरेबल बेड ऑफ वेपन्स फ्यूल सिग्निफिकेंटली, ये पावर इंक्रीज कर रहा है इंडियन एयर फोर्स की। यहाँ पर ये आर्मी के जो हमारे जवान है इनको भी ले जाएगा, और सामान ले जाना है इधर से उधर तो वो भी ले जाएगा, इसके लिए बनाया गया LCH प्रचंड। इसके अलावा ये खाली सामान ही नहीं ढोएगा, इसके अंदर हथियार भी लगाए गए हैं। 20 mm की नोज गन लगाई गई है, 70 mm का रॉकेट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र ये भी इसी के अंदर है, एयर टू एयर मिसाइल मिस्राल टू, ये सब कुछ इसके अंदर, मतलब हॉटशॉट ये हेलीकॉप्टर भारत के अंदर बनाया गया है। वो कई बार अपन हॉलीवुड वाली पिक्चर के अंदर देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर से धद 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 गोलियां चलाते हैं, ठीक वैसे ही अब भारत ने बना लिया LCH प्रचंड। ये एक LCH प्रचंड और एक तेजस, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस बार क्योंकि भारत ने ही बनाए हुए हैं, और ये पहली बार ही ऐसा हुआ है जब भारत ने बनाए बनाए हैं दोनों ही HAL ने। के बाद में एक अपन पीछे देख चुके हैं मेडिसिन, अब अगला आया है नोबेल प्राइज फिजिक्स का। फिजिक्स के नोबेल प्राइज 3 को दिए गए, इस बार नोबेल प्राइज काफी कैटेगरी के अंदर तीन तीन लोगों को दिए गए। यहाँ पर दिया गया एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जेलिसगर को। इनका काम जो है वो है क्वांटम इंटेंगलमेंट का, इसको सरल भाषा के अंदर अपन समझे तो इन्होंने कहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है एक और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये क्वांटम इंटेंगलमेंट, मतलब ये दोनों एक ये अलग अलग है वैसे तो, पर एक साथ में रखने पर ये एक ही ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करते हैं, एक साथ में मिलकर के काम करते हैं। इतना डीप मेरे हिसाब से तो नहीं पूछना चाहिए, जनरली आएगा कि नोबेल प्राइज फिजिक्स का किसे दिया गया है, ये तीन महानुभाव जो है इन्हें ये दिया गया है। चलें आगे। अब राजस्थान सरकार जो है इन्होंने दिए हैं 5 महान विभूतियों को गांधी सद्भावना अवार्ड। तो सबसे पहला गांधी सद्भावना अवार्ड किस सरकार के द्वारा या किसके द्वारा दिया गया है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा दिया गया। अब किसे किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है लेट डॉक्टर एस एन सुब्बा राव, लेट श्री नेमी चंद्र जैन भाऊ, श्री कुमार प्रशांत, श्री अमरनाथ भाई और डॉक्टर डी आर मेहता।
इनकी पूरी डिटेल, इन्होंने क्या किया हुआ है क्या नहीं किया हुआ है, आराम से रात को जब घर पे जाओ पीडीएफ को पढ़ना, इसके अंदर आपको सारी डिटेल मिलेगी। अपने को यहाँ पर क्या करना है, गांधी सद्भावना अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, राजस्थान सरकार, किसे किसे दिया गया है, तो ये पांच नाम है, इन्हें दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है देश के अंदर जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस ये शुरू किया है। पहला ऐसा राज्य है जिसने ये अलग से विभाग बनाया, सत्य और अहिंसा विभाग। ये भी आ सकता है कि हाल ही में कौन से राज्य के अंदर सत्य अहिंसा विभाग बनाया गया, राजस्थान के अंदर बनाया गया। के बाद में आरएसएस का एनुअल इवेंट होता है नागपुर के अंदर दशहरा के अवसर पर, और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी महिला ने इवेंट के अंदर अपनी स्पीच दी है, जिसे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है, वो थी मैडम संतोष यादव, चीफ गेस्ट इन्हें बनाया गया। पहली बार ऐसा हुआ है, न्यूज के अंदर है, पूछा जा सकता है मैडम संतोष यादव के बारे में। संतोष यादव मैडम जो है वो एक भारतीय पर्वतारोही है, और ये पहली महिला है पूरे विश्व के अंदर जिन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है इसे 2 बार चढ़ा है। इन्होंने पहली बार चढ़ लिया था 1992 के अंदर और दूसरी बार अगले ही साल 1993 के अंदर। तो इनके पास में ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, संतोष यादव के पास में, कौन है, भारतीय पर्वतारोही है, रिकॉर्ड क्या है, लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने का इनके पास में रिकॉर्ड है। वर्तमान में ये आईटीबीपी जो है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, इसके अंदर ये काम कर रहे हैं। के बाद में एक और नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2022, ये भी तीन को दिया गया है, कार्लोन बेरोजी, मोर्टेन मेल्डल और के बेरी शापलेस। तीसरा नोबेल प्राइज है हमारे यहाँ पर, एक फिजिक्स का देख लिया, एक मेडिसिन का देख लिया और तीसरा केमिस्ट्री का देख लिया। यहाँ पर इन्होंने फंक्शनल फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री इसके लिए ये दिया गया है। इनकी आसान अगर अपन समझे तो इनका ये कहना है कि इनकी जो रिसर्च है इसके अंदर, कि अब जो मेडिसिन जो बनाई जाती है इसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स काम में लिए जाते हैं। इनकी इस रिसर्च से ये फायदा हुआ है कि मान लो 25 kg अगर मेडिसिन बनानी हो, इसके अंदर पहले क्या होता था, मेडिकल वेस्ट जो है वो लगभग 75 kg चला जाता था, इतना ज्यादा वेस्ट जा रहा था। अब इन्होंने जो रिसर्च की है इससे ये होगा कि ये 75 kg वेस्ट नहीं जाएगा, वेस्टेज कम होगा, जिससे दवाइयां और बन सकेगी, दवाइयां और बन सकेगी तो बीमारियां हैं वो थोड़ी और कम होगी, इलाज ज्यादा होगा। इसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री का, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर एक, ये नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर एक, नोबेल प्राइज फॉर पीस। ये अति 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 महत्वपूर्ण है, ज्यादातर परीक्षा के अंदर इनसे पूछा जाता है, ये ज्यादा हाईलाइटेड रहते हैं। तो इस बार नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर जो दिया गया है वो एनी अर्नोक्स को दिया गया है। इन्होंने लिखा है ऑन क्लास एंड जेंडर इनक्वालिटी, वुमन स्ट्रगल, सेम ट्राइम्स, इन सब के ऊपर। इनकी फेमस बुक्स जो है इनसे भी सवाल आ सकता है कि ये बुक किसने लिखी हुई है या इसके राइटर कौन है। तो इन्होंने लिखी है द ईयर्स अ वुमन स्टोरी, अ मैंस प्लेस एंड सिंपल पैशन, ये इनकी किताबों के नाम है। दिया गया है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर एनी अर्नोक्स को। यहां तक क्लियर? और अक्टूबर के अंदर ये एक बड़ा इवेंट हुआ था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसे बैन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। पीएफआई के साथ साथ में 8 इसके जो संबंधित संस्थाएं हैं इन्हें भी बैन किया गया था। अब जब बैन किया गया तो यहाँ पर एक ट्राइब्यूनल बनाया गया है, यूएपीए एक कानून है इसके अंदर, और ये जो ट्राइब्यूनल बनाया गया है इसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस है, जस्टिस दिनेश शर्मा, इनको इस ट्राइब्यूनल अधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। सवाल आ सकता है कि पीएफआई बैन जो किया गया है उस ट्राइब्यूनल की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो जस्टिस दिनेश शर्मा कर रहे हैं। कौन से हाईकोर्ट से है? दिल्ली हाईकोर्ट से। अब ट्रिब्यूनल अधिकरण का नाम यहाँ पर आया, तो थोड़ा सा ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन है वो देख लेते हैं। इसके बारे में देखो मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी है। इस डिटेल की मेन राम कहानी ये है कि जब इस तरीके का कोई अधिकरण बनाया जाता है स्पेसिफिकली किसी के लिए, तो यहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री है वो कानून जो मंत्रालय है इससे कहता है कि आप किसी जो सिटिंग हाईकोर्ट का जज है इसके बारे में बताइए, कि आप सजेस्ट करिए किसे बनाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में जो कानून मंत्रालय है वो किसी भी सिटिंग हाईकोर्ट जज है इसे रिकमेंड करती है। तो यहाँ पर जो कानून मंत्रालय, उन्होंने रिकमेंड किया जस्टिस दिनेश शर्मा को, और अब इन्हें इस अधिकरण का बनाया गया है। हाँ, ये कहना है पीएफआई और इससे संबंधित 8 जो है इनकी टेररिस्ट जो
एक्टिविटीज है, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट पाया गया था, इसके कारण से इन्हें बैन किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली ट्राइब्यूनल अधिकरण जो है संविधान के अंदर शुरुआत के अंदर नहीं थे, बाद में इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया है। तो एक सवाल यहां से कि क्या शुरुआत से संविधान के अंदर अधिकरण का प्रावधान था या नहीं? नहीं था, बाद के अंदर ऐड किया गया। कौन सा अनुच्छेद है? तो देखो आर्टिकल 323A और 323B, इन दो आर्टिकल्स के अंदर दो तरीके की अधिकरण जो है वो बनाए जा सकते हैं। में 323 जो आता है वो आता है सर्विस रिलेटेड मैटर स्पेसिफिक, और इसे सिर्फ सेंटर ही बना सकता है, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आप लोग सब लोग इंस्पेक्टर्स बनोगे, इसके बाद में आपको अगर कोई भी सर्विस रिलेटेड इश्यू होता है, आपके आपके जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर झगड़ा हो जाता है, कोई भी ऐसे चलता है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली एक ट्राइब्यूनल, एक अधिकरण बनाया जाता है। जैसे आईएएस ऑफिसर्स के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, आपका जो भी केस मुकदमा होगा वो स्पेसिफिकली उसके अंदर ही सुना जाएगा, और ये गठित की जाएगी आर्टिकल 323A के अंदर। 323A में सिर्फ सर्विस रिलेटेड मैटर्स, 323B में अदर मैटर्स जितने भी हैं उन सब के लिए अगर अधिकरण बनाना चाहे, जैसे अपने एनजीटी है, काफी न्यूज के अंदर रहता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये सब कुछ 323B के अंदर बनाया जाता है। और 323B वाले ट्राइब्यूनल जो है इसके अंदर राज्य सरकार जो है वो भी बना सकती है। इसके अलावा ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था, बाद में जो 42nd अमेंडमेंट आया 1976 वाला, 42वां संविधान संशोधन, जिसे वो क्या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसके तहत इसे ऐड किया गया है। ट्राइब्यूनल तक क्लियर चले। अब इसके बारे में इसका आर्टिकल क्या कहता है ये सब कुछ भी मैंने आपके लिए इसके अंदर ही डाल दिया। और कांग्रेस के लीडर है अभिषेक मनु सिंघवी जी, वो हेड करने वाले हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स। अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? देखो हमारी जो संसद है इसके अंदर कई सारी कमेटीज बनाई जाती है। कमेटी का काम क्या होता है कि अगर कोई भी कानून वानून बनाया जाए तो उससे पहले वो बिल होता है, और जब वो पास होता है उसके बाद में वो एक्ट बनता है। तो बिल लेकर के आते हैं, उसके ऊपर चर्चाएं होती है, इसके बाद में उस कमेटी के अंदर भेजा जाता है। वो कमेटी पूरा आराम से बैठ के और एक एक पॉइंट पे, एक एक टॉपिक पे पूरा विचार करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके बाद में वो वापिस से पूरा भेजते हैं संसद को, और ये जो कमेटी होती है वो हमेशा अपनी रिपोर्ट जो है, अगर लोकसभा के अंदर कमेटी है तो लोकसभा स्पीकर को देगी, राज्यसभा के अंदर कमेटी है तो राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनको देगी। कौन है लोकसभा स्पीकर? राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़। तो कमेटी ऑन कॉमर्स जो है इसके अध्यक्ष अभिषेक मनु सिंघवी को बनाया गया है। बुर्किना फासो एक देश पड़ता है अफ्रीका के अंदर, यहां पर सरकार जो है इनका तख्ता पलट हुआ है। अब बुर्किना फासो के अंदर ये जो हीरो दिख रहे हैं यहां पर, ये वहां की आर्मी के जनरल है, और ये जब वहां पर इन्होंने तख्ता पलट किया है तो जब आर्मी सरकार के अंदर आ जाती है तो उसे कहा जाता है जुंता गवर्नमेंट, जैसे अपने पड़ोसी देश म्यांमार के अंदर है। यहाँ पर ये जो हीरो दिख रहा है यहाँ पर, इसका नाम है इब्राहिम त्राओरे, ये वहां के आर्मी कैप्टन है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है बुर्किना फासो, और ऐसा ही करते ही ये पूरे विश्व के यंगेस्ट लीडर बन गए। मतलब ये सबसे कम उम्र के ऐसे व्यक्ति है जो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष बन चुके हैं। नाम है इब्राहिम ट्राओरे, देश है बुर्किना फासो। तो ऐसे पूछ सकते हैं बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति कौन है, या जुंता सरकार के कौन है? तो नाम है इब्राहिम ट्राउरे। या फिर हाल ही में कौन से ऐसे नेता है जो पूरे विश्व के सबसे कम उम्र के राष्ट्राध्यक्ष बने, वो भी इब्राहिम ट्राउरे। अब ये आर्मी जो है बुर्किना फासो, इन्होंने किया था कूप, मतलब तख्ता पलट इन्होंने किया, और इसके बाद में वहां पर इन्होंने सरकार जो है वो चेंज कर दी। बुर्किना फासो की कैपिटल जो है वो आउगा डोगू, और ये है कुछ बुर्किना फासो मैप के अंदर, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इसके अंदर देखिए ये जो इधर दिख रहा है ये पड़ता है बुर्किना फासो। ये आसपास में कौन सी कंट्रीज पड़ती है, देखो थोड़ा सा बड़ा कर लिया हमने, यहाँ पर इसके आसपास में पड़ता है जीटीबी, घाना, टोगो, बेनिन, लगातार तीन कंट्रीज है। साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? आसपास में और कौन सा देश पड़ता है? तो देखो माली देश पड़ता है, कोट डी आइवरी पड़ता है, इधर ये जीटीबी तो अपन देख ही चुके हैं,
मैप से पूछा जा सकता है कि आस ये देश कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो अफ्रीका के अंदर पड़ता है। अफ्रीका का ये देखो वेस्टर्न पार्ट है जिसके अंदर ये पड़ता है बुर्किना फासो। ये जो रीजन है अफ्रीका का, जो उत्तरी क्षेत्र है, ये पूरा रेगिस्तान वाला इलाका है, सबको पता होगा सारा डेजर्ट। इसके अलावा इसे एक और नाम भी दिया गया है, किसी को पता हो? वो तो मेडिटेरेनियन सी, ये यहाँ पर चला गया। ये जो रेगिस्तान वाला इलाका है, सहारा डेजर्ट इस एरिया के अंदर पड़ता है। इसके अलावा भी इसे एक नाम दिया गया, इस पूरे रीजन को एक नाम दिया गया। इस रीजन को कहा जाता है मगरेब, मगरेब। वैसे भी आ सकता है, एक मॉक टेस्ट के अंदर मैंने देखा था आपके एसएससी का था कि मगरेब रीजन कहाँ पर है, मगरेब क्षेत्र। ये जो अफ्रीका का उत्तरी इलाका जो है, जो कि रेगिस्तान इलाका है, इसे मगरेब भी कहा जाता है। अभी अभी न्यूज के अंदर ये मगरेब का जो मोरक्को है, मोरक्को देश न्यूज के अंदर है। के बाद में फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जी बाला कृष्णन, इनकी अध्यक्षता के अंदर एक कमीशन बनाया गया है जो कि स्टडी करेंगे एससी स्टेटस ऑफ दलित पोस्ट कन्वर्जन। एक सवाल, जस्टिस के जी बाला कृष्णन की अध्यक्षता के अंदर कौन सा कमीशन बनाया गया है, या फिर ये किसके ऊपर चर्चा करेंगे या डिस्कशन करेंगे? तो एससी स्टेटस जो है दलित का पोस्ट कन्वर्जन, इसके ऊपर ये चर्चा करने वाले हैं। अब क्या मुद्दा क्या है यहाँ पर, तो वर्तमान में ऐसा होता है कि जो अपना हिंदू धर्म है, बुद्ध धर्म है और सिख धर्म जो है, इसके अंदर ही एससी वाला स्टेटस जो है वो दिया जाता है। हाल ही के अंदर क्या देखने को आ रहा है कि कई सारे जो दलित है जो एससी कैटेगरी के अंदर है, वो क्या हो रहे हैं कि कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, और पंजाब के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत देखने को आ रही है। अब जब वो कन्वर्ट तो हो गए, तो क्रिश्चियनिटी के अंदर जाने के बाद में उनके पास में एससी स्टेटस जो है वो नहीं बचता है। अब ये इश्यू आ रहा है, इसके कारण से देश के अंदर ये काफी चर्चा का विषय है। इसके बाद में के जी बालाकृष्णन जी की अध्यक्षता के अंदर ये बनाया गया है, ये 3 मेंबर की जो कमेटी होगी, और ये हेड करेंगे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एग्जामिन करेंगे वेदर द शेड्यूल कास्ट स्टेटस कैन बी अकॉर्डेड टू दलित्स, जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं हिंदू सिख और बौद्ध धर्म से अलावा किसी और धर्म के अंदर। करंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर है 1950 वाला, ये प्रोवाइड करता है फॉर ओनली दोज बिलोंगिंग टू हिंदू सिख और बुद्धिस्ट कम्युनिटीज, सिर्फ इन 3 कम्युनिटी के अंदर ही एससी स्टेटस दिया जा सकता है। वर्तमान में शुरुआत के अंदर सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर था, इसके बाद में धीरे धीरे बदलाव करते करते दूसरों के अंदर भी ऐड किया गया। इसके बाद में कर्नाटका सरकार जो है, इनके वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है मिस्टर बसवा राज बोम्मई, और इन्होंने फैसला लिया है कि हम अब हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन जो है इसे और बढ़ाएंगे। अभी वहां पर 50% था, अब इन्होंने प्रपोज किया ओबीसी पहले वहां पर था 32%, अब भी 32% ही रहने वाला है। एससी जो है वो 50% था, अब इसे 17% किया गया है। एसटी जो है इसे 3% से अब ये 7% करना चाहते हैं, मतलब अब वहां पर रिजर्वेशन पहुंच रहा है 56%। ये जब किया गया तब इन्होंने एक टर्म का इस्तेमाल किया है कि हम इसे डालना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल के अंदर। हमारे देश का जो संविधान है इसके अंदर कितनी अनुसूचियां हैं, इसके अंदर जो 9वीं अनुसूची है वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था तब तक 8 ही अनुसूचियां थी। बाद के अंदर पहला जो संविधान संशोधन हुआ 1951 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, उन्होंने किया, और इस टाइम पे वो जमींदारी एबोलिशन वाला चला रहे थे। और इस समय पर इन्होंने ये जब बनाया तब इनका ये था कि भाई ये जो शेड्यूल है इसके अंदर अगर सरकार कोई भी कानून डाल देती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपनी वो जुडिशियल रिव्यू वगैरह नहीं करेगा, इसके लिए इन्होंने बनाया था। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब आगे क्या हुआ कि बाद के अंदर बाद में कहानी ये निकल करके आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया यार मतलब ऐसे थोड़ी होता है, हमारे पास में भी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे जाकर के अपने केस जजमेंट्स के अंदर कहा कि हमारे पास में जुडिशियल रिव्यू की पावर हमेशा रहेगी। अगर आप कोई बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कौन से केस के अंदर आई, 1973 केबीके केशवानंदा भारती केस, उसके अंदर ही तो कहा था कि हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है
उसमें चेंज नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आगे के केस जजमेंट्स के अंदर कहा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें अगर चेंजेस हो रहे हैं और आप कोई भी चीज को 9th शेड्यूल के अंदर डाल रहे हैं तो इसके अंदर हम इंटरफेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9th शेड्यूल का नाम आया है, ध्यान रखना, 1951 पहला संविधान संशोधन था तब ये आया है। कर्नाटका सरकार ने कहा है कि हम इसके अंदर डालेंगे। ऐसा ही ठीक अभी ये अपन कर रहे हैं अक्टूबर के, थोड़ी और रिसेंट अपडेट देते चलता हूँ। अभी अभी झारखंड सरकार जो है उनका भी ये विचार है कि वो 76% करना चाहते हैं झारखंड के अंदर रिजर्वेशन। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि हम 9th शेड्यूल के अंदर डालना चाहते हैं। और ये जो 50% वाला क्राइटेरिया है वो भी इंदिरा सोनी केस आया था इसके अंदर ये डिसाइड किया गया था। इंदिरा सानी सोनी ऐसे बोलते हैं, इसी केस के अंदर आया था कि भाई 50% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 9th शेड्यूल के अंदर इसलिए डालना चाहते हैं कि इसके लिए फटाक से जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो, सुओ मोटो एक्शन वगैरह नहीं लिए जाए, कोई PIL जाए तो उसके बाद में ही सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर चर्चा करे। और एक और इंफॉर्मेशन, 9th शेड्यूल के अंदर राज्य सरकार के पास डालने की पावर नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार पार्लियामेंट जो है हमारी इन्हीं के पास में पावर है 9वीं अनुसूची के अंदर डालने। क्लियर यहां तक? के बाद में एक और नोबेल प्राइज, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है कि नोबेल प्राइज फॉर पीस किसे दिया गया है, तो यहाँ पर भी तीन को दिया गया है। एक मिस्टर है एलेस बियालात्स्की जो कि आते हैं बेलारूस से, और दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक आता है मेमोरियल जो कि है रशिया से, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज जो कि आता है यूक्रेन से। युद्ध कहाँ पर चल रहा है? रशिया यूक्रेन। न्यूज के अंदर कौन है? रशिया यूक्रेन। तो किसको देना पड़ेगा? रशिया यूक्रेन। अब याद रख लो, मेमोरियल कहाँ से है? रशिया से है। दूसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कहाँ से है? यूक्रेन से है। तीसरा एलेस बियालात्स्की कहाँ से है? बेलारूस। रशिया बेलारूस यूक्रेन एक ही रीजन पड़ता है, ये एक ही रीजन के अंदर इन दोनों तीनों को दे दिया गया है, 1 पर्सन 2 ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो मैप मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये है बेलारूस, यहाँ के किसको दिया गया है? एलेस बियालात्स्की। के बाद में रशिया का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? मेमोरियल। यूक्रेन का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ये देखो ये है बेलारूस, ये है रशिया और ये है यूक्रेन, इसी पूरे रीजन को दे दिया गया है पीस प्राइज 2022। यहां तक याद हो गया? भारत का पहला सोलर पावर फ्यूलिंग इंडिया स्प्रिंट्स टुवर्ड सेल्फ रिलायंस, भारत का पहला सोलर पावर्ड विलेज जो है वो गुजरात का मोढेरा बन चुका है। तो आ सकता है कि भारत का पहला सोलर पावर्ड विलेज कौन सा है? भारत का पहला सूर्य ग्राम मोढेरा, मोढेरा के अंदर ही पड़ता है सन टेम्पल। और यहाँ पर किया गया है खेल ये कि ये जो पूरा गांव है यहाँ पर बिजली जो है वो अब सब सोलर पैनल जो है इनसे ही आएगी, और यहाँ पर ये बैटरी से उनको स्टोर कर लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने किया है कि जो इलेक्ट्रिक कार चलती है इनके चार्जिंग स्टेशन भी बनाए। भारत का पहला सौर्य विलेज कौन सा हो गया? सौर गांव, सूर्य ग्राम मोढेरा को कर दिया गया। मोढेरा के अंदर और भी कई सारी चीजें जो है वो लगातार न्यूज के अंदर रहती है। मोढेरा के अंदर मंदिर है सूर्य भगवान का। इसके अलावा और देश के अंदर प्रचलित सूर्य भगवान का मंदिर कौन सा है? सन टेम्पल, कोणार्क, ओडिशा वाला, जहां पर आगे अपन आज की क्लास के अंदर देखने वाले सैंड आर्ट फेस्टिवल भी कोणार्क के अंदर ही हो रहा है। कोणार्क का एरिया जो है वहां पर ही पड़ता है चंद्रभागा बीच, और उसी चंद्रभागा बीच पे सैंड आर्ट फेस्टिवल करवाएंगे, और उसके ब्रांड एम्बेसडर होने वाले हैं वो, जिनका कई बार आता रहता है जो तो मिट्टी से वो बनाते हैं। नाम याद आया? आगे याद आ जाएगा। हाँ, अपने यहां पर तो ये सिस्टम नहीं है रूफटॉप सोलर के अंदर, के वो इंसेंटिव नहीं देते, उल्टा वो बिजली है वो सस्ती और ले रहे हैं आजकल तो। बाकी गुजरात के अंदर वो इंसेंटिव्स भी देते हैं कि अगर आप रूफटॉप सोलर लगा रहे हैं। भारत के अंदर रूफटॉप सोलर जो है वो काफी, मतलब अपने यहाँ पर संभावनाएं हैं, पर सरकार के द्वारा बूस्ट नहीं दिया जा रहा है इसको। अगर दिया भारत के अंदर, जैसे अपने बड़े बड़े वो सोलर पैनल्स वाले प्लांट्स तो काफी लगाए जा रहे हैं इधर अपने बीकानेर इस एरिया के अंदर भी बहुत लगे हैं, पर हर एक घर के ऊपर मान लो सोलर पैनल्स लग जाते हैं तो कितनी ज्यादा अपन एक्स्ट्रा बिजली जनरेट कर लेंगे। और नए सर्वे के अनुसार भारत के अंदर इस एरिया के अंदर काफी काम अभी तक बाकी पड़ा है।
तो अभी तक अगर आपको सब कुछ समझ आया है तो ये आपके लिए ही है। और इसके बाद में देखो, गैम्बिया एक देश पड़ता है अफ्रीका के अंदर, वहां पर 66 चिल्ड्रंस की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। भारत के एक कंपनी जो मेडन फार्मा है, इन्होंने कफ सिरप्स बनाई थी और ये कहा जा रहा है कि वो कफ सिरप पीने से वहां के इन बच्चों की किडनी फेलियर होने की वजह से डेथ हुई है। और ये कहना है WHO का अपनी एक रिपोर्ट के अंदर कि भारत की जो मेडन फार्मा है, इन्होंने ये दवाइयां बनाई। और ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री गैम्बिया जो है, इन्होंने इसके ऊपर अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। और रिजल्टिंग हमारा जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने भी एक सेटअप किया है, 4 मेंबर पैनल जो कि एग्जामाइन करेंगे रिपोर्ट्स को। तो भाई WHO, आपने तो कह ही दिया है कि हमारे जो देश की कंपनी है इसके कारण से डेथ हुई है, पर हम भी इसके ऊपर पूरी जांच पड़ताल करेंगे कि ऐसा वास्तव में हुआ है या नहीं हुआ है। मेडन फार्मा का जो ऑफिस है वो हरियाणा के सोनीपत के अंदर पड़ता है, यहाँ पर इनकी फैक्ट्री है। और हरियाणा सरकार ने भी अब इसका जो प्रोडक्शन है इसको रोक दिया है। तो सवाल, हाल ही में कौन सी कंपनी के द्वारा बनाई गई कफ सिरप पीने से गैम्बिया के अंदर बच्चों की मौत हुई? मेडन फार्मा कंपनी के द्वारा बनाए हुए दवाइयां पीने से किस राज्य के अंदर बच्चों, किस देश के अंदर मौत हुई? गैम्बिया। गैम्बिया कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका। मेडन फार्मा का फैक्ट्री ऑफिस ये सब कहाँ पर है? तो सोनीपत हरियाणा के अंदर है। हरियाणा गवर्नमेंट भी कंप्लीट स्टॉप करवा दिया है प्रोडक्शन इसके ऊपर। और इसके बाद में थोड़ा सा जान लेते हैं गैम्बिया के बारे में। तो ये अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और पीछे की स्लाइड्स के अंदर अपन ने देखा था यहाँ पर पड़ता है बुर्किना फासो, और इसी का देख लो ये इधर एकदम साइड के अंदर पतला सा देश है गैम्बिया, जहां पर 66 बच्चों की डेथ हो चुकी है। एकदम पूरा सी का किनारा इनको मिलता है। एक सवाल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन से महासागर की आकृति एस आकार की? अटलांटिक ओशियन जो है उसकी आकृति एस आकार की है। देखो ये थोड़ा सा मैप जूम कर दिया हमने, और यहां पर पड़ता है गैम्बिया, एकदम वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है अफ्रीका का, जिसके अंदर गैम्बिया देश पड़ता है, जहां पर मेडन फार्मा की कॉफ सिरप पीने से बच्चों की डेथ हुई। आसपास में कौन से देश पड़ते हैं? देखो गिनुआ पड़ गया, इसके अलावा यहाँ पर ये सेनेगल, गिनुआ बिसाऊ, ये सब देश जो है वो यहाँ पर पड़ते हैं। प्रेसिडेंट जो है गैम्बिया के वो है अडामा बैरो, कैपिटल है इनकी बोंजुल, और ऑफिशियल लैंग्वेज है इनकी इंग्लिश। का मतलब दिन खराब भी हो तो पूछ सकते हैं कि गैम्बिया के राष्ट्रपति कौन है। गैम्बिया के राष्ट्रपति अडामा बैरो है। थोड़ा सा WHO, WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये UNO का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी 1948 के अंदर। और इनका मुख्य काम ये है कि भाई पूरे विश्व के अंदर जो भी स्वास्थ्य से संबंधित इश्यू है वो वर्ल्ड लेवल पे ये हैंडल करते हैं। और यहाँ पर ये सिंपल मेजोरिटी वोट से चुने जाते हैं। 194 मेंबर जो है WHO के, उनको ग्रुपिंग के अनुसार 6 रीजन्स के अंदर डाल रखा है। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है, काफी फेमस थे COVID-19 के टाइम पर, मिस्टर टेड्रोस। आगे इनका क्या नाम है, मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा। ये देखो, अब WHO की रिपोर्ट्स जारी की जाती है 5, ये रिपोर्ट के नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। देखो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट WHO, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट WHO, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, एम्बियंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हेयरिंग, ये 5ों रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पूछ लेंगे कि ये रिपोर्ट कौन से संस्थान के द्वारा या कौन से बॉडी के द्वारा जारी की जाती है, ये WHO के द्वारा जारी की जाती है। एक बार फिर से, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, ये 5 रिपोर्ट जो है वो WHO के द्वारा जारी की जाती है। वर्तमान में WHO के डायरेक्टर जनरल मिस्टर टेड्रोस। और वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। के बाद में नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, ये भी 3 लोगों को दिया गया है, बेन एस बर्नैनके, डगलस डायमंड और फिलिप एच डिब्विक। यहाँ पर इनका मुख्य रिसर्च ये रही है कि इन्होंने की है फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। जब फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक मंदी होती है, तब बैंक किस तरीके से काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसके ऊपर इनकी पूरी रिसर्च है। नाम अपने को याद रखना है इन 3, बेन एस बर्नैनके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिब्विक। इन 3 को दिया गया है नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स।
गवर्नमेंट ने लॉन्च की है टेली मेंटल हेल्थ सर्विस, जिसे कहा जाता है टेली मानस। ये जब अपना यूनियन बजट इस बार का जब जारी हुआ, इसके अंदर ये घोषणा की गई थी कि हम एक टेली मानस योजना है वो लेकर के आएंगे। ये 24/7 चलने वाली है। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आजकल सबको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है, हो सकता है हमको भी हो, कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं। अगर है तो गवर्नमेंट ने अपने जो है वो नंबर जारी किए हैं, इसके ऊपर आप बात करिए। पहले वो IVR वाला के हिंदी के लिए एक दबाए, इंग्लिश के लिए दो दबाए, वो वाला सिस्टम करेंगे। उसके बाद में अपने को स्पेसिफिक जो जो होगा, जिससे अपने को बात करवाई जाएगी, उससे अपने को कनेक्ट कर देंगे। इस स्कीम का नाम है टेली मानस, टेली मेंटल हेल्थ सर्विस जो है वो लॉन्च की गई है। 24/7 चलने वाली है, और ये सर्विस शुरुआत के अंदर 20 राज्य और यूनियन टेरिटरी के अंदर शुरू की जा रही है। बाद के अंदर इसको आगे भी कर दिया जाएंगे। ये इनके हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं 14416 और 18009144 16। कॉलर जो है पहले वही IVR सिस्टम, इसके बाद में आगे कस्टमर केयर वाले वो करवाते हैं, वैसे इसमें भी कनेक्ट कर देंगे। और मेंटल हेल्थ एक प्रायोरिटी है। यहाँ पर नोडल सेंटर जो है वो निमहंस को बनाया गया है। टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया जा रहा है टेली माइनस के अंदर IIT बॉम्बे के द्वारा। 5 रीजनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स भी है, 22+1 मेंटरिंग इंस्टीट्यूशन भी है। और ये भी काफी न्यूज के अंदर था, केरला के एक अंदर मंदिर है, मंदिर के अंदर एक वाटर बॉडी थी जिसके अंदर एक मगरमच्छ था जिसका नाम था बबिया। अब मगरमच्छ है तो हमें इससे क्या लेना देना है? तो यहाँ पर न्यूज के अंदर ये इसलिए था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये वेजिटेरियन मगरमच्छ था, और इसे गॉड्स ओन क्रोकोडाइल कहा गया। और जब इसकी डेथ हुई तब जैसे अपने साधु संन्यासी जी को वो भू समाधि दी जाती है, ठीक वैसे ही इसे भी भू समाधि दी गई। अब अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है कि कौन से मंदिर है ये, और ये मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो केरला के अंदर अनंत पद्म नाभ स्वामी मंदिर है, कुंबला कासरगोड डिस्ट्रिक्ट, केरला कर्नाटका का जो बॉर्डर है, इस एरिया के अंदर अनंत पद्म नाभ स्वामी टेम्पल है। यहाँ पर ये मगरमच्छ था वो समाधि है वो दी गई है। तो ऐसे आ सकता है अनंत पद्म नाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य के अंदर है। तो वैसे भी पद्म नाभ स्वामी मंदिर काफी फेमस है, एक बार बहुत साल पहले आया था कि वो नीचे तहखाने खुले सोना निकला, ये वो वाला मंदिर नहीं है। पर याद अपन ऐसे रख सकते हैं कि वो भी केरला के अंदर था और ये भी केरला के अंदर है। और एक और सीक्रेट ट्रिक बताता हूं, देखो कोई भी साउथ इंडिया का नाम या मंदिर होता है तो अपने तो यहाँ पर अनंत अपन लिखते हैं, तब स्पेलिंग ANANT लिखते हैं, ये पीछे HV लगाते हैं। वहां पर कुछ भी नहीं आ रहा हो कि अरे यार ये मंदिर कहाँ से है, ऑप्शन ऐसे दे रखे हो, और वहां पे एक ऑप्शन जो है वो साउथ इंडिया वाला हो, अब तीर वो तुक्का लगाने वाली बात है, तो उसमें वो कर देना। के बाद में वो जय माता दी लाइट शॉप, इसके बारे में पूरी वो मैंने लिख दी है कि यहाँ पर हिंदू सन्यासी जैसे दिया गया, यहाँ पर जो भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता था वो इसे दिया जाता था, और ऐसा माना जाता है कि ये है वो वेजिटेरियन क्रोकोडाइल था। सबसे बड़ी बात ये है कि जो वाटर बॉडी है, ये जो झील है, ये किसी भी बाहर से कनेक्टेड नहीं है, कोई भी नदी नहीं है, और किसी को पता नहीं है कि ये यहाँ पर कैसे आया। 70 साल से लगभग इसे यहाँ पर देखा जा रहा। और अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप भी भारत के अंदर आयोजित करवाया गया, और भारत ने पहली बार इसके अंदर हिस्सा लिया। 3 वेन्यू जो है भारत के अंदर थे, कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मारागाव, और DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई। तो ऐसे आएगा कि अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? भारत के अंदर हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। ये कुछ ऐसा इन्होंने लोगो दिया था, किक ऑफ द ड्रीम इसकी थीम थी, फुटबॉल कार्निवल अंडर 17 वर्ल्ड कप। विनर अभी याद नहीं आ रहा, बता दूंगा। वैसे ये पूरी मैंने सीरीज जो है वो मेरे यूट्यूब पर भी डाली हुई है, पूरा विस्तार से इसके ऊपर मैंने डिटेल के अंदर समझा के व्हाट यू गाइस कैन डू, कि यहाँ से जाने के बाद में 1.5x पे उसे चलाओ, ईयरफोन डालो और आराम से उसको सुनते रहो। अब नया सिंबल जो है वो शिवसेना के 2 धड़े कर दिए गए हैं, और इसके अंदर नया सिंबल दिया गया है। शिवसेना के 2 धड़े क्यों हुए? क्यों हुए? शिवसेना पार्टी तो है, ऐसा तो सबको पता है, महाराष्ट्र के अंदर है। इसके 2 टुकड़े क्यों हुए?
शिवसेना पार्टी जो है वो महाराष्ट्र के अंदर आती है, और वहां पर क्या हुआ कि एक जो फ्रैक्शन, पहले इन्होंने उद्धव ठाकरे जी की अध्यक्षता के अंदर सरकार बनाई थी कांग्रेस और ये सब करके, महाविकास अघाड़ी बना करके, तो बाद के अंदर एक नाथ शिंदे जी जो है वो शिवसेना के ही थे और वो उठ करके चले गए भारतीय जनता पार्टी के पास में, उन्होंने एक नया धड़ा बना लिया। अब फिर क्या हुआ कि बाईपोल एक हुए महाराष्ट्र के अंदर उपचुनाव, इसके अंदर अब दोनों ही धड़े कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं असली शिवसेना, वो कह रहे हैं मैं असली शिवसेना, दोनों एक ही नाम से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके कारण से दोनों धड़े गए इलेक्शन कमीशन के अंदर, और वहां पर इलेक्शन कमीशन ने इनको नए जो सिंबल है वो दिए गए, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो है इनको ये सिंबल दिया गया मशाल, इनका चुनाव चिन्ह जो है वो मशाल था। इसके अलावा यहाँ पर नाम दिया गया इस पार्टी को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। और जो एकनाथ शिंदे जी जो वर्तमान में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, इनकी जो चुनाव सिंबल दिया गया वो दिया गया टू सोर्ड्स एंड शील्ड, ये चुनाव चिन्ह है इसका, और पार्टी का नाम है बाला साहेब जी शिवसेना। उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाली पार्टी उसको शिवसेना, उसका चुनाव चिन्ह मशाल, इसका चुनाव चिन्ह ढाल और दो तलवार, नाम क्या दिया गया बाला साहेब जी शिवसेना। समाजवादी पार्टी के फाउंडर और कई टाइम के सीएम और भारत के मंत्री भी रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव जी, इनका डेथ हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश का जो सैफई है वहां पर इनका अंतिम संस्कार किया गया, सैफई से ही आते थे। तो महाकाल के अंदर ही महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है, तो महाकाल जो ज्योतिर्लिंग है, भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है जिसके अंदर ही महाकाल उज्जैन का ज्योतिर्लिंग भी है। 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से कोई बता सकता है? हाँ बताओ। केदारनाथ तो है ही, केदारनाथ बनारस काशी, 12 ज्योतिर्लिंग है, एक बार देख लेना इन सबको। एक वो मंत्र भी है के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग पूरी आती है। अब ज्योतिर्लिंग है महाकाल, और इसी साल वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसको भी उद्घाटन किया गया, इसके कारण से ज्योतिर्लिंग न्यूज के अंदर है, इसलिए पूछ सकते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे पर है। महाराष्ट्र में पुणे में भीमा नदी बहती है, उसके पास में ही भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, गोदावरी। बाद में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाता है हमेशा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और अब ये हेड करेंगे हमारे कॉलेजियम को, और ये काफी समय के बाद के अंदर हो रहा है कि लगभग 2-2.5 साल तक भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने वाले हैं। इसके अलावा इनके पूजनीय पिताजी जो है वो भी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं लगभग 7 सालों के लिए, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि पिताजी है वो भी चीफ जस्टिस और पुत्र है वो भी चीफ जस्टिस। इनसे पहले थे जस्टिस यू यू ललित, इनसे पहले जस्टिस एन वी रमन्ना, और ये पूरा यहाँ पर मैंने लगाया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को। आर्टिकल 124 बताता है कि भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और इसके अंदर क्वालिफिकेशन बेसिकली तीन है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की, कौन कौन सी है कि कम से कम 5 साल तक किसी भी दो या दो से अधिक हाईकोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर कम से कम 10 साल तक दो या दो से अधिक हाईकोर्ट के अंदर एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस की जानी चाहिए, और तीसरा सबसे बड़ा मजेदार है कि राष्ट्रपति की नजर में आप वो जुरिस्ट होने चाहिए, काफी ज्यादा आपको ज्ञान है तो आप बन सकते हैं, तो अपने में से कोई भी बन सकता है अगर राष्ट्रपति जी को लगता है तो, क्योंकि इसके अंदर वो कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा इनको हटाने का जो प्रोसीजर है वो भी फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को भी हटना है तो अपना त्याग पत्र दे सकता है, और दूसरा प्रोसेस होता है, हाँ, महाभियोग, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट प्रोसेस चलता है। और सबसे बड़ी चीज ये देखो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्पीचमेंट, महाभियोग जो शब्द है उसका इस्तेमाल सिर्फ राष्ट्रपति महोदय के लिए हुआ है, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है रिमूवल, हटाया जाने लिखा हुआ है। इम्पीचमेंट महाभियोग जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति जी के लिए। अब हटाने के लिए भी दो ही क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, प्रूफ
मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, ये दो ही क्राइटेरिया के बेसिस पे हटाया जा सकता है, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। अप्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकेपेसिटी जो है, इसे कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया हुआ है, और आज तक भारत में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को है वो इस प्रक्रिया से हटाया गया हो। पैंसठ साल उम्र हो गई तो घर जाओ। हाई कोर्ट जज है वो 62 ईयर्स तक रह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज है वो 65 ईयर्स तक रह सकते हैं, और इसके अंदर जो सीनियर मोस्ट जज होता है वही भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। अब वो कहानी मैं करता हूं। देखो 1973 तक देश के अंदर कुछ ऐसा था कि जो सीनियर मोस्ट जज होता था सुप्रीम कोर्ट का, उसे ही भारत का मुख्य वो न्यायाधीश बनाया जाता था। 1973 के अंदर सरकार थी इंदिरा गांधी जी की, और उसी समय पर केस आया था केशवानंदा भारती केस, और जब ये केस का जजमेंट आया इसके बाद में सारे जज्बात है वो बदलते हुए, और जस्टिस ए एन रे जो थे इनको बनाया गया भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनसे पहले 3 जज तो थे वो इनसे सीनियर थे, फिर भी उनको सुपरसीड करते हुए जस्टिस ए एन रे को बनाया गया। जब ऐसा हुआ तब देश के अंदर हंगामा खड़ा हुआ कि तो संविधान के साथ खिलवाड़ है। तब सरकार ने यहाँ पर कहा कि संविधान के अंदर ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज है वो होना चाहिए, संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं है। और इन्होंने यहाँ पर हवाला दिया 1956 की एक रिपोर्ट का। इस 1956 की जो रिपोर्ट थी वो मिस्टर एमसी सेतालवाद ने दी थी, और इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि ये जो क्राइटेरिया है सीनियर मोस्ट जज वाला, ये चेंज होना चाहिए। जिस जज के पास के अंदर एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसकी क्वालिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है उसे बनाया जाना चाहिए, और हमने इस रिपोर्ट का हवाला लेते हुए और जस्टिस ए एन रे को बनाया। जब बनाया गया ऐसे सब बातचीत चली, उसके बाद में एक बार फिर से 1977 के अंदर एमयू बेग को भी उनसे जो सीनियर जज थे उनको सुपरसीड करते हुए फिर बनाया गया। जब ऐसा हुआ तो इसके बाद में देश के अंदर आए 3 केस। इन 3 केसेस को कहा जाता है जजेस केस नंबर 1, 2, 3। इसके अंदर पहला केस जो था इसे कहा जाता है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, और इस केस के अंदर मेन मोटी बात यह है कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने कहा कि मेन पावर जो है जज बनाने की वो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका मतलब सरकार के पास में ही है। तो एक तरीके से सारी चीज उल्टी कर दी गई। वैसे तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों बनाया गया कि अगर सरकार किसी के अधिकारों का हनन करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करती है, पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम पावर सरकार के पास में। के बाद में आया जजेस ट्रांसफर केस नंबर 2। इसके अंदर जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है उसे वापस से स्थापित किया गया, और इसके अंदर पहली बार जो शब्द आज चल रहा है कॉलेजियम, काफी न्यूज के अंदर रहता है ये जो मैं आपको राम कहानी बता रहा हूँ, वो कॉलेजियम सिस्टम भारत के अंदर कैसे आया उसी की बता रहा हूँ। इस केस के अंदर कहा गया कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो बनेगा, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इनके साथ में 2 सीनियर मोस्ट जज जो होंगे उनकी एक ग्रुपिंग होगी, वो रिकमेंड करेगी और उन्हें ही उन्हीं नामों को है वो जज बनाया जाएगा। क्लियर? पर यहाँ पर एक मुद्दा उठ कर के आया, ये जब जजमेंट आया इसके बाद के अंदर के भाई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर बाकी 2 से बिना पूछे ही बता देते हैं, कह देते हैं कि हाँ इसे बनाया जाना चाहिए, तो क्या वो सलाह यहाँ पर मान्य होगी या नहीं। के बाद में आया जजेस ट्रांसफर केस नंबर 3। ये यहाँ पर राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी, और इस सलाह के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वापिस से बताया, और इसके अंदर जो वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम चलता है वो आया। वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम क्या है, जेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, 5 जज की जो ग्रुपिंग है वो मिलकर के बताती है कि किसे बनाया जाना चाहिए या नहीं। और इसी के अंदर इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जो अपने साथ वाले हैं इनसे कंसल्ट नहीं करते हैं तो वो सलाह सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, 5ों का जो मिलकर के फैसला होगा वही मान्य होगा। कि कॉलेजियम सिस्टम भी क्लियर, काफी ज्यादा न्यूज के अंदर है कॉलेजियम सिस्टम। अध्यक्षता कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितने जज होते हैं, 5 होते हैं, सीजेआई प्लस 4। और आईएमएफ अपनी एक रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक countering the cost of living crisis, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये रिपोर्ट बन जाती है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, IMF जारी करता है। रिपोर्ट का नाम एक बार फिर से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक countering the cost of living crisis।
ये रिपोर्ट आईएमएफ ने जारी की है और आईएमएफ ने इसके अंदर कहा कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 6.8% रहने वाली है। पहले की तुलना में थोड़ी सी ग्रोथ रेट हमारी कम बताई गई है। ग्रोथ रेट पूछने के चांस कम है, ज्यादा चांस है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। वर्तमान में आईएमएफ की जो चेयरपर्सन है वो क्रिस्टालिना जॉर्जेवा। इसके अलावा अपनी जो इन्होंने कहा है कि वैसे तो भारत की अर्थव्यवस्था है वो काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी ये जो रशिया यूक्रेन वाला चल रहा है इसकी वजह से भारत की ग्रोथ रेट है वो कम जा रही है। और देखो आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की 6.8%, आरबीआई ने की 7% और वर्ल्ड बैंक ने भी की 6.5%। और अभी 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 के अखबारों के अंदर 4-5 दिन पहले ही आया था कि अब सरकार कह रही है कि 6.5% इज वेरी नाइस। बाकी देशों के हालात देखते हुए भारत का कहना है कि अब सब चीज जो है सारी परसेंटेज, जैसे अपनी वो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, कौन सी मेन बेंचमार्क लैंडिंग रेट कौन सी अपनी, नाम क्या है उसका, रेपो रेट, आरबीआई की बेंचमार्क लैंडिंग रेट रेपो रेट है। तो अब सरकार कह रही है कि वो भी 6.5%, भारत की ग्रोथ भी 6.5%, सब कुछ 6.5%, ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 6.5% इज वेरी स्वीट। और मिस्टर जयप्रकाश नारायण जी जो है इनका इनके नेटिव प्लेस के ऊपर प्रतिमा का अनावरण किया गया है। रिसेंटली प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर एंड सोशलिस्ट जयप्रकाश नारायण स्टैच्यू वॉज अनवील्ड एट हिज नेटिव विलेज सिताब दियारा। सिताब दियारा गाँव है वो बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जहां पर इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। हाल ही के अंदर जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति का अनावरण कहाँ पर किया गया, सिताब दियारा सारण बिहार के अंदर किया गया। अब कौन है जयप्रकाश नारायण जी, कोई बताए? क्रांति के तो थे पर हरित क्रांति के नहीं थे। बताओ अपना जो फ्रीडम स्ट्रगल था इसके अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर थे जयप्रकाश नारायण जी। बिहार से आते थे, इनका जन्म हुआ था 1902 के अंदर। इन्फ्लुएंस थे ये मार्क्सिस्ट आइडियाज इन द यूएस से, कंट्रीब्यूट किया इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया 1929 के अंदर। इस समय पर देश के अंदर कौन सा आंदोलन चल रहा था? सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस, कहां से शुरू हुआ था? दांडी से, दांडी यात्रा, नमक बना करके ही तो शुरू किया था। इस समय पर यह चल रहा था। थोड़ा सा और इसके अंदर घूमते हैं, देखो अपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन कब कब हुए थे, शायद पिछले ही एसएससी के अंदर है, 30, 31, 32। गांधी जी ने किसके अंदर हिस्सा लिया, 31 के अंदर। और अंबेडकर जी ने किसके अंदर हिस्सा लिया, कहां पर हुए, ब्रिटिश ब्रिटेन। और उस समय पर भारत के वायस रॉय कौन थे, लॉर्ड इरविन। और इसी समय पर इरविन गांधी समझौता भी हुआ था, क्योंकि तो वो काफी कंट्रोवर्सी के अंदर रहता है भगत सिंह जी के कारण। और बाद के अंदर इनके बाद में कौन से है, इरविन के बाद में चेंज ऑफ गार्ड्स हुए थे, जब गोलमेज सम्मेलन दूसरा, जब गांधी जी वहां पर गए हुए थे, इसके बाद में वाइस रॉय है वो उन्हें चेंज किया गया था। ये ऐसी निटी ग्रिटीज है, इनको एक बार से आप रिवाइज कर लेना, हो सकता है इनसे भी क्वेश्चन आए। वापिस से आते हैं अपन जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी बेसिकली सोशलिस्ट आइडिया, समाजवाद से ज्यादा प्रभावित थे, और इनको कांग्रेस के अंदर लाने का मुख्य योगदान था जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी का। यहाँ पर ये वर्ल्ड वॉर टू जो था, इस समय पर इन्होंने वो विरोध भी किया था कि भारत की तरह, भारत का इसके अंदर हिस्सा नहीं लिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा इनका नाम जो आता है वो एक बार ही देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी है 1975 के अंदर, इंदिरा गांधी जी के समय पर। और उसी समय पर वो कविता लिखी गई थी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
यहाँ पर ये जो दिल्ली का रामलीला मैदान है वहां पर वो सभा करवाई गई थी, और इसी से प्रभावित होते हुए फिर नेशनल इमरजेंसी लग गई थी। जयप्रकाश नारायण जी, एक बार देखो उद्घाटन मूर्ति का कौन करने गया है, कुछ समझ आ रहा है? आपातकाल किसके समय पर लगा, कौन सी पार्टी से थी, और अब यहाँ पर उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत का पहला स्लेंडर लॉरी सेंचुरी बनाया जा रहा है तमिलनाडु के अंदर। हिंदी में भी इसका नाम, ये जो जीव है इसका नाम स्लेंडर लॉरिस ही है। तो सवाल आ सकता है कि स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर बनाया गया है? तमिलनाडु के अंदर बनाया गया है। ये स्लेंडर लॉरिस जो जीव है छोटा सा ही दिखता है, और ये ज्यादातर पेड़ के ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं आता है। इसके बारे में मेन खासियत इसकी ये है, और ये पेड़ पे रहता है तो भाई ये वो पत्तियां ये कीड़े यही सब खाता है। इसके लिए इसे किसानों का दोस्त भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो खेतों के अंदर कीड़े वगैरह होते हैं उनको भी ये खत्म कर देता है। IUCN स्टेटस अगर इसका पूछ ले तो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है। और भारत सरकार ने जो अपना यूनियन बजट था इस बार का, इसके अंदर घोषणा की थी पीएम डिवाइन स्कीम की। नॉर्थ ईस्ट जो क्षेत्र है इसके अंदर हम 6,000 करोड़ रुपए जो है, 6,600 करोड़ रुपए वो नॉर्थ ईस्ट एरिया जो हमारा है इसका डेवलपमेंट के लिए देंगे। ठीक है, तो पीएम डिवाइन स्कीम किससे संबंधित है? भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट से संबंधित है पीएम डिवाइन न्यू स्कीम, और ये ऑपरेशनल रहेगी 4 साल के लिए ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। जो 15वां फाइनेंस कमीशन जो है वर्तमान में, इसके ये जब तक रहेगा तब तक ये 4 साल तक ही रहने वाली है, मतलब हमेशा नहीं चलेगी, सनसेट स्कीम है। चलते हैं फिर आगे। तो एक चीज और, 15th फाइनेंस कमीशन, 15वां जो वित्त आयोग है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं वर्तमान में, इसके अध्यक्ष कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है वो एनके सिंह। FRBM पैनल भी एनके सिंह की अध्यक्षता के अंदर ही था। ये टारगेट कर रही है स्कीम, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सपोर्ट करेगी, इंडस्ट्रीज को, सोशल डेवलपमेंट, ये सब। तो मेन अपने को याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है इसके डेवलपमेंट के लिए ये सब किया जाएगा। के बाद में लिविंग क्या जाना है, 30 मिनट्स रुक सकते हो तो। तो अब देखो लिविंग प्लानेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? WWF के द्वारा। WWF वो लड़ाई वाला नहीं है, ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि मॉनिटर्ड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है वर्तमान में वो लगातार घटती जा रही है। तो मैमल्स है, बर्ड्स है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, मछलियां हैं, ये सब 1970 से लेकर अब तक 2018 तक लगभग 69% कम हो चुकी है, लिविंग प्लानेट रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने भारत के लिए कहा है कि इंडिया हैज सीन अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ द लाइक्स ऑफ हनी बीज, तो मधुमक्खियां हैं वो भारत के अंदर कम हुई है। इसके अलावा 17 प्रजातियां जो तो अपने कछुए होते हैं इनकी भी कम हुई है। तो मतलब ये कहा है कि भारत के अंदर है वो काफी मतलब हालात बेहाल चल रहे हैं। वेस्टर्न घाट्स वाला जो अपना एरिया है, वेस्टर्न घाट्स किसे कहा जाता है, ईस्टर्न घाट किसे कहा जाता है? हाँ मतलब ये मान लो भारत का नक्शा है, इधर आ गया वेस्ट वाला एरिया तो इसको कह दिया वेस्टर्न घाट, इस वाले को कह दिया ईस्टर्न घाट। और इन्फॉर्मेशन, इधर से नदियां बहती आती है बंगाल की खाड़ी के अंदर, इसके कारण से नदियां आ रही है तो हजारों साल से आ रही है गोदावरी जैसी नदियां, तो ये लगातार इधर वाली जो पहाड़ियां है इसको तोड़ती जा रही है। मतलब वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया ऊपर पड़ता है और काफी मतलब स्ट्रांग पहाड़ियां है, क्योंकि इधर से तो नदी निकल रही है, लगातार पानी आ रहा है, इसके कारण से ये इरोड होती जा रही है, कंटिन्यूअस नहीं है ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस पड़ता है। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि वेस्टर्न घाट्स और जो हमारा हिमालयन रीजन है ये बहुत घातक खतरे में चल रहा है। मेन बात लिविंग प्लानेट रिपोर्ट WWF के द्वारा दी जाती है। यहाँ पर जो भारत का चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, जो कि भारत अभी नामीबिया से चीता लेकर के अपन पूनो पाल्पो नेशनल पार्क के अंदर, इसकी काफी वो
वो तारीफ की गई है कि हाँ बहुत अच्छा किया है, ऐसे ही प्रोजेक्ट है वो और भी होने चाहिए। और रिसेंटली अपन कवर करेंगे ये सब चीजें, श्रीलंका ने भारत से मांगे इंडियन गौर, एक तरीके के भैंसे होते हैं। श्रीलंका ने कहा है कि जैसे आप नामीबिया से चीते लेकर के आए, वैसे ही आप हमारे को ये दीजिए, क्योंकि हम 17वीं शताब्दी से इनको खत्म कर चुके हैं। यहाँ पर ये रिपोर्ट जो है ये बायनियल है, मतलब ये हर 2 साल के बाद में जारी की जाती है। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, इन सब की भी काफी तारीफ की गई। मिस्टर शशि थरूर जो है वो चेयर करेंगे अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो अभिषेक मनु सिंघवी जी कॉमर्स वाली कमेटी को हेड कर रहे थे, शशि थरूर जो है वो केमिकल और फर्टिलाइजर, पहले ये जो आईटी कमेटी होती है इसको हेड कर रहे थे। हाल ही के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है वो अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। और इराक के नए प्रेसिडेंट बने हैं, इराकी पार्लियामेंट ने बनाए हैं अब्दुल लतीफ राशिद। इराक के नए प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल लतीफ राशिद। ये है नक्शा, नक्शे के अंदर देखिए इसको कहा जाता है मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया वाला रीजन, और यहां पर पड़ता है इराक। इराक की राजधानी है बगदाद। ये वाला जो एरिया है ये है सानाई पेनिनसुला। यहाँ पर कौन सी नदी वो नहर पड़ती है? सुएज कैनाल। ये वाला एरिया ये कौन सा है? रेड सी। ये कौन सा वाला एरिया है? पर्शियन गल्फ। समझ आ रहा है कि मैप, मैं बार बार कह रहा हूँ मैप आप आराम से ऑब्जर्व करिए आसपास की चीजें, इसके पास में कौन सा पड़ता है, क्या पड़ता है, कि वहां पर एग्जाम के अंदर अगर थोड़ा सा भी कुछ भी अपने को क्लिक कर गया तो अपना क्वेश्चन निकल जाएगा। यहां तक मजा आया, समझ आया? बहुत है ब्रेक चाहिए, चलते रहें। मणिपुर के अंदर एक वहां की जो सरकार है इन्होंने कहा है कि अगर अब किसी व्यक्ति जो है अगर ये 4 से ज्यादा बच्चे इनके हैं तो अब उनको कोई भी गवर्नमेंट जॉब बेनिफिट नहीं मिलेंगे, कोई भी तरीके की स्कीम वगैरह के फायदे नहीं मिलेंगे। इसके लिए इन्होंने वहां पर एक कमीशन, एक आयोग का गठन करने की घोषणा की है। भारत के कौन से राज्य के अंदर ऐसा किया गया है? मणिपुर के अंदर किया गया है। मणिपुर कैबिनेट है, इन्होंने अपनी सहमति दी है टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन। इन्होंने यहाँ पर अध्यादेश के द्वारा ये सब किया है। अध्यादेश ऑर्डिनेंस कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 123 तो राष्ट्रपति जी का है, 213। देखो 1 2 3 2 1 3 ऐसे याद रखो। अब यहाँ पर राज्य की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा करवाया गया, अगर केंद्र की बात होती है तो केंद्र वो वहां पर प्रेसिडेंट साहब के द्वारा करवाया जाता है। ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? जब सदन नहीं चल रहा हो और ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है कानून बनाना, तब उस समय पर राष्ट्रपति और गवर्नर के पास में एक्सक्लूसिव पावर दी हुई है कि वो अध्यादेश बनाए। अब ये जो अध्यादेश होता है इसकी लिमिट होती है वो 6 मंथ्स तक रहती है। 6 मंथ्स मतलब जब से किया है तब से, जब सेशन चालू हुआ है तब तक 6 मंथ्स। अगर उस दौरान पास नहीं किया जाता है तो लैप्स, खत्म। सदन चालू हो गया उसके 6 हफ्ते बीत चुके हैं फिर भी पास नहीं किया गया तो फिर भी लैप्स, मतलब 6 मंथ 6 वीक्स। ये चीजें याद रखना, भूलना नहीं। अब देखो ये है अपना भारत का नक्शा। मणिपुर कहाँ पर पड़ता है? ये यहाँ पर पड़ता है मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी। पास के अंदर कौन सा देश पड़ता है? म्यांमार। अब अगर अपन नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर घूमने आ ही चुके हैं तो 2 चीजें और देख लेते हैं। हमारे देश के अंदर कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जाने के लिए अपने को परमिट की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही नहीं जा सकते अपन वहां पर। अपने को घूमने को जाना है तो भी वहां की सरकार की वेबसाइट पे जाओ, अप्लाई करो, वो अपने को परमिट देंगे तभी अपन जा पाएंगे। इसे कहा जाता है इनर लाइन परमिट, ILP। कौन कौन से राज्य? देखो 4 राज्य है ऐसे, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कौन से देश पड़ते हैं आसपास में? चाइना। इसके पास में देखो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर पड़ता है नागालैंड, यहाँ पर भी ILP चाहिए। इसके बाद में देखो इसके नीचे पड़ता है मणिपुर, यहाँ पे भी ILP चाहिए। और इसके जस्ट नीचे पड़ता है देखो मिजोरम, आइजोल जिसकी राजधानी है।
यहाँ पर भी इनर लाइन परमिट की आवश्यकता है, मतलब ये जो चार आउटर एरियाज है, चार राज्य जो है, यहाँ पर आईएलपी की जरूरत है। तो भारत के कौन कौन से राज्य में आईएलपी की जरूरत है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब जब इस एरिया के अंदर इतना ही घूम लिए, थोड़ा सा और घूमते हैं। भारत के अंदर हमारे संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं, जिसके अंदर 30 में, जिसके अंदर भी क्या है कि पांचवी और छठी अनुसूची जो है, इसके अंदर जो जनजातियां हैं, ट्राइबल्स हैं, इनके कुछ अलग से अधिकार दिए हुए हैं। इसके अंदर फिफ्थ शेड्यूल के अंदर तो वो एरियाज है जो कि पूरे भारत के अंदर है, अपने राजस्थान के अंदर भी है। सिक्स्थ शेड्यूल जो एरियाज है वहां पर स्पेशल स्टेटस अलग चीज है। ये जो है यहाँ पर अलग से और ज्यादा ऑटोनॉमी दी हुई है वहां की जनजातियों को। ये राज्य पढ़ते हैं, देखो एएमटीएम से मैं तो याद रखता हूँ, असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम। ये हो गया अपना असम, जस्ट नीचे मेघालय, इसके इधर त्रिपुरा और इधर मिजोरम। मतलब मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां पर सिक्स्थ शेड्यूल के भी अप्लाई होते हैं और आईएलपी स्टेटस है वो भी अप्लाई होता है। तो एएमटीएम सिक्स्थ शेड्यूल कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और आईएलपी स्टेटस कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहां तक क्लियर? पीएम डिवाइन किससे संबंधित है? यही तो एरिया डेवलप करेंगे इससे। और कब तक रहने वाली है ये? 15वां फाइनेंस कमीशन जब तक रहेगा 2026 तक, तब तक ये काम करने वाली है। इसके बाद में ये काफी चर्चा का विषय, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, चुनावी बॉन्ड। ये बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है, देश के अंदर अब क्या कर दिया गया है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने को चंदा देना है, किसी भी कंपनी को या अपने को, तो पहले तो क्या होता था, कैश के अंदर दे सकते थे। अब क्या हो रहा है कि अगर किसी को देना है तो एसबीआई बैंक इश्यू करता है, पैसे दो एसबीआई के अंदर, वो बॉन्ड उनसे लेकर के आओ और इसके बाद में वो बॉन्ड है वो पार्टी को है वो जमा करवाओ। स्पेसिफिक उसका बैंक अकाउंट होगा, पार्टी उसके अंदर जमा करवाएगी और ये जितनी राम कहानी है सब कुछ 15 दिनों के अंदर होनी चाहिए। भारत में सिर्फ और सिर्फ अभी एसबीआई बैंक ही है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड है वो जारी कर सकता है। तो ये सवाल आ सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन जारी करता है? एसबीआई बैंक जारी करता है। ऑप्शन देंगे उसमें आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सब गलत होंगे। अब यहां पर क्या है कि देखो 1,000, 10,000, 10 लाख, ये सब इन डिनोमिनेशन के अंदर ये चलते हैं। ऐसे नहीं है कि 15 रुपए का बॉन्ड दे दो, वो अपने को ऐसे टॉफी पकड़ाएंगे और रवाना कर देंगे। कब होगा? तो 14 डेज एट स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ये जब 3 3 महीने के बाद में 14 दिन के लिए खोला जाता है, और 15 दिन, 14 15 दिन के अंदर ये पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर लोकसभा चुनाव है तो 30 दिन और खोले जा सकते हैं। कौन खरीद सकता है? तो सिर्फ इंडियन सिटीजन ही खरीद सकता है, और कोई भी ऐसी कंपनी जो भारत के अंदर रजिस्टर है सिर्फ वही खोल सकती है, और कोई भी, मतलब ये यही खरीद सकते हैं और कोई भी नहीं खरीद पाएगा। तो कोई भी बाहर की विदेशी कंपनी अगर खरीदना चाहे वो नहीं खरीद पाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो डोनेट किए जा सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड है, जिसको कम से कम 1% वोट रीसेंट चुनावों के अंदर मिले हैं उसे ही। आप और मैं मिलकर के पार्टी बना ले कि चलो हमको सारी डोनेशन दे दो, तो वो नहीं हो पाएगा। 3 डेज परचेज है। इसके अलावा इसके बेनिफिट्स वगैरह भी मैंने सब लिख दिए हैं। बेरर इंस्ट्रूमेंट है, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है, और इसको रख के ऐसे लोन नहीं ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है इलेक्टोरल बॉन्ड, तो एसबीआई ही जारी करता है और कोई भी बैंक जारी नहीं कर सकता। और एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, मां भारती के सपोर्ट। ये वेबसाइट बेसिकली जो हमारे वीर जवान सैनिक हैं जिनकी कैजुअलिटीज हो जाती है या फिर उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में जो उनके पीछे जो है उन तक पैसा पहुंचाने के लिए एक फंड बनाया गया है, जिसकी अब ये वेबसाइट लॉन्च की गई है, मां भारती के सपोर्ट। ये ट्राई सर्विस फंड है, मतलब तीनों सेनाओं का एक ही फंड बनाया गया है, जिसकी ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। की है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। आईएनएस अरिहंत जो है ये एक की मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। आईएनएस अरिहंत भारत की सबमरीन पनडुब्बी है, और यहां पर मिसाइल टेस्ट किया गया है एसएलबीएम का, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? ऐसे ऐसे पैराबोला बनाते हुए ये बम फोड़ती है, टारगेट पे चली जाती है। और अब भारत के पास में, अभी तक अपने पास में एयर के अंदर थी,
लैंड के ऊपर भी थी, अब अपने पास में वाटर के अंदर भी आ चुकी है, अब न्यूक्लियर कैपेबल और है ये SLBM। सक्सेसफुल यूजर ट्रेनिंग लॉन्च हुआ है SLBM का बाई INS अरिहंत। तो ऐसा पूछ सकते हैं कौन सी सबमरीन पे ये बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हुआ है। INS अरिहंत सबमरीन जो है भारत की पनडुब्बी, इसके ऊपर ये टेस्ट हुआ है। और ये जो INS अरिहंत है इसके ऊपर K-15 SLBM लगाई गई है, जिसकी रेंज है 750 किलोमीटर। और एक और नई रिपोर्ट आई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 रिपोर्ट। रिपोर्ट्स काफी पूछी जाती है, याद रखना यहाँ पर भारत की जो रैंकिंग है वो 121 कंट्री में से 107 पर है। और ये जो अपना इधर वाला जो एरिया है साउथ एशिया रीजन, इसके अंदर सिर्फ अफगानिस्तान ही अपने से पीछे है, बाकी ये पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका ये सब अपने से आगे चल रहे हैं। है? सरकार का कहना है कि ये सही नहीं है, ऑपोजिशन का कहना है कि ये सही है। तो अभी अपना मेन मोटिव सुनो सुनो सुनो, अभी अपना मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि अपने एग्जाम के अंदर आए, क्लिक करो, आगे बढ़ो। अपने को क्या करना है, 121 कंट्री में से भारत की रैंक 107। इंडेक्स कौन सी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो टूल है फॉर कॉम्प्रिहेंस, मेजर करता है ये हंगर एट ग्लोबल, रीजनल, ये सब लेवल पे, अलग अलग लेवल पे ये टेस्ट करता है। अब यहाँ पर GHI स्कोर जो है, यहाँ पर चार इंडिकेटर्स जो है इनके हिसाब से ये स्कोर देता है। अब इंडिकेटर कौन से हैं, तो पहला आता है अंडर नरिशमेंट, जरूरत से कम भोजन मिलना। दूसरा आता है चाइल्ड स्टंटिंग, बच्चों में बौनापन, अगर पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो इस वजह से स्टंटिंग मतलब उतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तीसरा चाइल्ड वेस्टिंग, उम्र की तुलना में कम विकास, हाइट होनी चाहिए थी इतनी और अभी तक इतनी पड़ी है, तो ये विकास पूरा न्यूट्रिशन नहीं होने की वजह से। और चौथी है शिशु मृत्यु दर, यहाँ पर पांच कैटेगरी है इसके अंदर रखा गया है और भारत को यहाँ पर सीरियस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसके अलावा देखो पड़ोसी देश श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 99 और सिर्फ अफगानिस्तान हमसे पीछे है 109। और ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की जाती है NGO के द्वारा, वेल्थ हंगर एंड कंसर्न, ये दो NGO है ये मिलकर के ये रिपोर्ट जारी करते हैं, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर रवांडा 102, नाइजीरिया 103, 104 पर इथियोपिया, 105 कांगो, 6 पर सूडान, तो ऐसे ऐसे देशों के बीच में अपन खड़े हैं। और इंडियन क्रिकेट टीम ने जीता है एशिया कप अभी तक है। हाँ वुमेन्स वुमेन्स क्रिकेट टीम ने, फैंस तो इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं। यहाँ पर 8 बार एशिया कप हुआ है जिसमें 7 कप है वो भारत ने जीते हैं। भारत की वर्तमान में कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, और यहाँ पर भारत ने हराया है श्रीलंका को बांग्लादेश के सिलहट के अंदर, ये एशिया कप हुआ है। के अलावा इंडियन टीम जो है इन्होंने 7 बार ये टाइटल जीता है। और चलो डेथ ऑफ एलिफेंट्स हो रही है आसाम के अंदर, आसाम के अंदर अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जा रहा है, बिजली के तार है, बिजली के तारों से झटके लगने की वजह से वहां पर हाथियों की मौत हो रही है। अब ठीक है, अब अपने को इसके अंदर से क्या निकालना है, यहाँ पर आए हैं नेशनल पार्क्स के नाम, और ये पूछ लेंगे कि दिहिंग पतकाई नेशनल पार्क कहाँ पर है, और उधर ही हो जाएगा अपना खत्म, टाटा बाय बाय, ये पड़ता है आसाम के अंदर। फिर ये पूछ लेंगे राईमोना नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये भी आसाम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जो डेथ है वो एलिफेंट्स की देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जब नाम आ ही गया है नेशनल पार्क्स का, तो थोड़ा सा मैप देख लो आसाम के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं। सबसे पहले देखो इधर आ जाता है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, इधर से ईस्ट से वेस्ट चलते हैं अपन, फिर इसके पास में आता है दिहिंग पतकाई नेशनल पार्क जहां पर अभी हाथियों की डेथ हुई है। के बाद में देखो यहाँ पर आ जाता है काजीरंगा। शुरुआत से जब अपन सामाजिक विज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं तो दो नेशनल पार्क ही पढ़ते हैं शुरुआत के अंदर, एक जिम कॉर्बेट शिकारी नेशनल पार्क और एक ये काजीरंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट एक शिकारी था, शेरों का ही शिकार करता था और उसके नाम पे ही नेशनल पार्क कर दिया, बताओ। यहाँ पर ये यह आ गया काजीरंगा, फिर इसके जस्ट ऊपर देखो यहाँ पर आ जाता है नमेरी, नमेरी के जस्ट इधर आ जाता है ओरांग, और ओरांग के ही पास में आ गया मानस, और फिर आ गया रायमोना। अभी न्यूज के अंदर रायमोना और दिहिंग पतकाई इस न्यूज के अंदर अपन ने देखा है,
इसके अलावा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर जो वो राइनो पाया जाता है जिसका जो सींग है उनकी, वो जो जला के उनकी जो राख थी उससे वहां पर वो मेमोरियल बनाए गए हॉर्न ऑफ अबॉर नाम से। ये सारे नेशनल पार्क से ये यहाँ पर से कौन सी बह रही है, ब्रह्मपुत्र। और मानस नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसका बॉर्डर लगता है भूटान से, भूटान के उधर पड़ता है रॉयल मानस नेशनल पार्क और अपने इधर पड़ता है मानस नेशनल पार्क। और रिसेंटली जो टाइगर सेंसस हुई है शेरों की गणना, वहां पर भी ऐसा हुआ है कि पहली बार भारत ने जो रॉयल मानस नेशनल पार्क है उनके शेर को भी काउंट किया है, जिसके कारण से ये भी न्यूज के अंदर है। और ये मैं बता ही चुका हूँ, श्रीलंका है वो भारत से अब इंडियन गौर की मांग कर रहा है कि हमारे यहाँ पर ये खत्म हो चुके हैं, आप हमें इन्हें वापस दीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा देश है वो भारत से इंडियन गौर की मांग कर रहा है। एक तरीके का ये देखो भैंसा है, तो घास खाने वाले जानवर है, इसके अंदर सबसे बड़ा सबसे मोटा इसे माना जाता है। श्रीलंका ने इसकी मांग कर ली है। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर अपन देखें तो IUCN का वल्नरेबल स्टेटस है इसके अंदर, और भारत का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके शेड्यूल 1 मतलब मोस्ट प्रोटेक्टेड है ये। और ज्यादातर ये जो अपना साउथ वाला एरिया है यहाँ पर नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, मसीनागुड़ी नेशनल पार्क, बिलारंगा हिल्स, इन एरिया के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है इंडियन गौर। और यहाँ ये भी है कि यहाँ पर जो पूरा एरिया है पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा ये भारत के अंदर ही पाया जाता है, और इसी कारण से अब श्रीलंका ने भारत से मांग की है इसकी। के बाद में भारत G20 समिट करवा रहा है, सबको पता है भारत के पास में अब G20 की अध्यक्षता आ रही है 1 दिसंबर से। हाल ही के अंदर 2022 वाली समिट हुई है इंडोनेशिया के बाली के अंदर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिस्सा लिया है और ऑफिशियली अब भारत को मिल चुकी है। भारत ने कहा है कि हम पूरे देश के अंदर 200 से ज्यादा देशों के अंदर करवाएंगे मीटिंग्स, और मेन जो मीटिंग होगी वो होगी नई दिल्ली के अंदर। जो फोटो आता है ना मोदी जी के साथ में, बाकी का वो सब नई दिल्ली के अंदर होगी, बाकी अलग अलग मीटिंग्स होती रहेगी वो पूरे देश के अंदर 200 प्लेसेस के अंदर करवाएंगे। और भारत ने कहा है कि हम कुछ कुछ मीटिंग जो है वो हमारा कल्चरल ट्रैक होता है, डिप्लोमेसी जब अपन पढ़ते हैं IR उसके अंदर आता है कि कल्चरल रिलेशन से एक दूसरे को कनेक्ट किया जाता है। भारत ने कहा है कि हमारे कुछ कल्चरल प्लेसेस हैं, हम वहां पर भी ये मीटिंग्स हैं वो करवाना चाहते हैं। तो वो कल्चरल प्लेसेस कौन से हैं, तो यहाँ पर नाम आए हैं ताजमहल, आगरा फोर्ट, ये दोनों आ गए उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद में हिंदू और जैन टेम्पल जो खजुराहो के हैं मध्य प्रदेश के, इनका नाम है, यहाँ पर मीटिंग करवाएंगे। उसके बाद में कोणार्क सन टेम्पल अपने ओडिशा वाला, जहाँ पर सैंड आर्ट फेस्टिवल भी होगा, ये लिया गया है। और इसके बाद में हम्पी कर्नाटका के अंदर जो है यहाँ पर मीटिंग करवाई जाएगी। यूपी के अंदर 2 मीटिंग होगी, कौन कौन सी, ताजमहल और आगरा फोर्ट वाली। अब यहाँ पर नाम आए तो मैंने पिक्चर्स लगा दी ताकि याद रहे। तो एक मीटिंग होगी ताजमहल के अंदर, अंदर नहीं मतलब इस प्रिमाइसेस के अंदर, दूसरी होगी आगरा फोर्ट, उसके बाद में तीसरी होगी कोणार्क। कुछ ऐसा दिखता है सन टेम्पल, ये ज्यादा फेमस रहता है, अभी रिसेंटली मैं वहां पर गया था और अभी तक इसके उस समय उतर नहीं पाया हूँ। ये जो चक्कर है इसके बारे में पता है, सेकंड तक ये सूर्य की किरणों से बता देते हैं एग्जैक्टली पूरी घड़ी, ये यहाँ से ही बता देते हैं ये पूरा चक्कर जो है इससे। ये एक रथ जैसे आकार के अंदर वो मंदिर बनाए हुआ है, और जो अभी अपन देख रहे हैं वो तो उसका वो पैगोडा है, मतलब वो तो एंटर करने वाला था, जो मेन मंदिर था वो तो गिर चुका है। और काफी बड़ा कैंपस है इसका कोणार्क सन टेम्पल का, और वाकई में काफी अच्छी कार्विंग्स है यहाँ पर, ये भी फोटो मैंने ही खींचा था वहां पर। और ये अपने खजुराहो के टेम्पल्स, अगर उत्तर भारतीय मंदिर शैली देखनी है तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। देखो यहाँ से शुरू होके लगातार ऐसे करते 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 पूरा ऊपर तक जाता है खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर। उत्तर भारतीय मंदिर शैली अगर देखनी हो, नागर शैली जिसे कहा जाता है, तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल खजुराहो के टेम्पल्स है। अब एक और सवाल, कौन कौन से धर्म के यहाँ पर है, जैन और हिंदू धर्म दोनों के ही मंदिर है। वहां पर आता है कि खाली हिंदू धर्म के हैं तो गलत, खाली जैन धर्म के हैं तो भी गलत, दोनों को दोनों के मंदिर यहाँ पर है। और ये अपना कौन से नोट पे फोटो है, 50 रुपए के नोट पर इसका फोटो भी है, हम्पी कर्नाटका यहाँ पर भी होगी। कुछ ऐसा दिखता है, किस समय में बनाया गया,
विजयनगर एम्पायर जो थी इस समय पर ये डेवलपमेंट किया गया, इस समय पर ये बनाए गए। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है जिन्होंने मेडिकल टेक्स्ट बुक जो है वो हिंदी के अंदर लॉन्च की है, और इससे प्रभावित होते हुए उत्तराखंड ने भी कहा है कि अब हम भी करेंगे। सवाल के कौन सा राज्य है जहां पर हिंदी के अंदर मेडिकल की टेक्स्ट बुक है, तो वो मध्य प्रदेश के अंदर की गई। अब संविधान में हिंदी के क्या है प्रावधान? चलेंगे आगे, कहानी करेंगे पूरी। पहले बताओ राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा? ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, कौन सी लैंग्वेज राष्ट्रभाषा है? 343 आर्टिकल जो है ये बताता है कि हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। इसके अलावा हिंदी के साथ साथ में पहले प्रावधान किया गया था 10 साल तक के लिए इंग्लिश का भी, इसके बाद में ये अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। हमारा संविधान का 8वां जो शेड्यूल है इसके अंदर वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? इतना लैंग्वेज के ऊपर मेरे हिसाब से इतना बन सकता है। इसके अलावा आर्टिकल अपना एक और आ जाता है 350 बी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इसका भी प्रावधान संविधान के अंदर है। ये भी एक संवैधानिक संस्था है, और ये भी कहा गया है कि भाई ये जो हिंदी है इसके लिए केंद्र सरकार है वो लगातार प्रयास करती रहेगी कि इसका प्रचार प्रसार हो, इसीलिए अपने देश के अंदर हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। कौन सी तारीख को, 14 या 15? और हिंदी का ये जो राजभाषा विभाग है कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। आठवीं अनुसूची? नहीं, 8वीं अनुसूची के अंदर। अब क्या हुआ कि देश के अंदर 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है ये शुरू की गई है। अब क्या है डिजिटल बैंकिंग यूनिट, तो अब लगातार सब चीजें डिजिटल होती जा रही है। अपन गोलगप्पे खाने जाते हैं तो कर दे यूपीआई, वो सिस्टम है, तो इसके कारण से अब ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है ये सरकार ने कहा है कि इसके अंदर लोन कागज के ऊपर कुछ नहीं होगा, जो भी काम होगा सब कुछ डिजिटली होगा। देश के अंदर अभी 75 खोली गई है, बजट के अंदर ही घोषणा की गई थी, और यहाँ पर देखो कौन मिलकर के ये खोल रहा है, तो यहाँ पर ये जॉइंट इनिशिएटिव है सरकार का, आरबीआई का, इंडियन बैंक एसोसिएशन का, और पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जितने हैं उन सब ने मिलकर के कर रहे हैं, खाली भारत सरकार नहीं कर रही है कुछ। ऐसा एक मैंने यहाँ पर सैंपल लगाया है। सीबीयू जो है ये प्रोवाइड करेगी स्पेसिफिक फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि इंक्लूड है सेविंग, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें जो है वो सब डिजिटली करने वाली है ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट। सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2022 जो है ये अमेरिका की एक हिस्टोरियन है बारबरा मेटकॉफ, इन्हें दिया गया है। सर सैयद अहमद जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इसके संस्थापक थे, इनकी 205वीं बर्थ एनिवर्सरी है, इसके अवसर पर ये अवार्ड दिया गया है। सवाल, सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया? अमेरिकन हिस्टोरियन बारबरा मेटकॉफ को दिया गया। क्लियर? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन? सर सैयद अहमद खान। और बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट मिस्टर रोजर बिन्नी को बनाया गया है, इनसे पहले थे सौरभ गांगुली। और स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं उलफ क्रिस्टरसन को। क्या सवाल आएगा अगर आएगा तो, इस स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया गया है? तो उल्फ क्रिस्टरसन, या उल्फ क्रिस्टरसन कौन से देश के राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है? स्वीडन। ये है नक्शा अपना, ये अपना यूरोप कॉन्टिनेंट, ये पड़ता है अपना स्वीडन। अगर कभी मौका मिले घूमने का इस एरिया के अंदर जरूर घूमने, जन्नत यहीं पर दिखेगी। स्कैंडिनेवियन कंट्री है ये, इस एरिया को पूरे को कहा जाता है। ये कुछ ऐसा है, देखो पास में कौन सा देश है? नॉर्वे। इधर कौन सा देश पड़ता है? फिनलैंड। यहाँ पर ही पड़ता है स्वीडन के अंदर ही स्टॉकहोम, जहां पर काफी सारे संस्थाओं के हेड ऑफिसेज भी है। और इसके आसपास में देखो कौन कौन सी जगहें पड़ती है, ये बाल्टिक सी भी यहाँ पर पड़ता है, गल्फ ऑफ फिनलैंड यहाँ पर है, गल्फ ऑफ रीगा यहाँ पर है,
स्ट्रेट भी यहाँ पर है, डेनमार्क यहाँ पर है, तो ये सब चीजें मैप ऑब्जर्व करते रहो। हो सकता है आपसे पूछ ले कि स्वीडन के कौन से सी के अंदर ओपनिंग है, तो बाल्टिक सी के अंदर ओपनिंग है। और भारत के अंदर इंटरपोल की जनरल असेंबली की मीटिंग हुई है। इंटरपोल जो है वो बेसिकली जो अपने पूरे जो देश है की जो पुलिसेज है उनकी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के लियोन के अंदर, और इसकी भारत के अंदर अभी जनरल असेंबली की मीटिंग हुई है। तो ऐसे आ जाएगा कि हाल ही में भारत के अंदर कौन से ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग हुई, तो इंटरपोल की हुई। कहां पर हुई? नई दिल्ली के अंदर हुई। इंटरपोल के वर्तमान में प्रेसिडेंट है अहमद नसीर अल रईसी, हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन के अंदर। और ये मेन काम क्या करेंगे कि भाई ये पूरा ट्रैक वैक रखेंगे कि कौन सा क्रिमिनल कहाँ भाग रहा है। तो वो मैंने एग्जाम्पल दिया था डॉन पिक्चर वाला, तो होशियारी में कह रहा है पिक्चर के अंदर के डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस, उसको पढ़ना चाहिए था मेरी क्लास के अंदर आकर के। क्यों? अगर भौकाल बनाना है तो कहना चाहिए था कि पूरी इंटरपोल मेरा पीछा कर रही है। 11 मुल्क क्या होते हैं? इंटरपोल मतलब पूरे विश्व की पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल। अगर वो पीछा करती तो ज्यादा भौकाल बनता। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। तो भारत के अंदर जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो नोडल एजेंसी है इसकी। मतलब इंटरपोल से कोई भी बात करनी होगी तो सीबीआई करेगी, इंटरपोल को भारत में बात करनी होगी तो सीबीआई करेगी। और वो रेड कॉर्नर नोटिस सुना होगा कि जो भाग जाते हैं उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया जाता है, वो भी इंटरपोल के द्वारा ही जारी करवाया जाता है। सुबोध कुमार जायसवाल। और ये सवाल पक्का छप चुका है आपके परीक्षा के अंदर, बुकर प्राइज 2022 किसे दिया गया है? तो श्रीलंका के लेखक है सेहन करुणा तिलका, इनको दिया गया है 2022 का बुकर प्राइज। पुस्तक का नाम है सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, और यहाँ पर जज ने इनकी बहुत तारीफ की है कि वाह बहुत मतलब जीवन परिवर्तन कर दिया ऐसी किताब इन्होंने लिखी है। मेन अपने को याद रखना है बुकर प्राइज 2022 किसे दिया गया, सेहन करुणा तिलका। कहाँ से आते हैं? श्रीलंका से आते हैं। ये सेकंड श्रीलंकन है जिनको ये अवार्ड मिला है। इससे पहले मिस्टर करुणा तिलका जो है वो भी ये अवार्ड है वो मिल चुका है। यहाँ तक क्लियर? स्पीड ज्यादा तो तेज नहीं है। और डिफेंस एक्सपो भारत के गुजरात के अंदर अहमदाबाद के अंदर इस बार हुआ है। तो डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? गुजरात के अहमदाबाद के अंदर। एशिया का लार्जेस्ट और इंडिया का फ्लैगशिप डिफेंस एग्जीबिशन, इसका उद्घाटन किया गया श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 19 अक्टूबर से ये शुरुआत की गई है। कौन सा मंत्रालय इसके लिए है? तो डिफेंस का है, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो मंत्रालय इसके रिलेटेड है। और कांग्रेस पार्टी के नए प्रेसिडेंट मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे मिस्टर शशि थरूर, और 24 साल के बाद में गांधी परिवार से बाहर कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद को दिया गया है। तो ऐसे ऑप्शन के अंदर दे देंगे कि कौन किस को मिला, कौन से शहर को मिला ग्रीन सिटी अवार्ड। तो यहाँ पर दे देंगे पेरिस, मॉन्ट्रियल, मेक्सिको, मेलबर्न, इन सब सिटी को पछाड़ते हुए हैदराबाद को है ये अवार्ड दिया गया है। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद को दिया गया। और नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल के अंदर बनाया जा रहा है। लोथल बेसिकली गुजरात के अंदर पड़ता है। लो और थल गुजराती भाषा के अंदर इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, और ठीक यही मतलब निकाला गया है जो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य केंद्र है सिंधी भाषा के अंदर, उसे भी कहा जाता है मृतकों का टीला। लोथल पड़ता कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य केंद्र था, यहाँ से जहाज जाते थे, बंदरगाह था ये। यहाँ पर क्या करी है सरकार, यहाँ पर एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना रही है कि यहाँ पर पुराने समय में कैसे हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, इसके अलावा उस समय पर कैसे लोग रहते थे, वो भी एक थीम पार्क बनाएंगे। चार थीम पार्क भी है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और इंडिया की मैरीटाइम हेरिटेज जो है इसके बारे में पूरा यहाँ पर बताएंगे। मतलब अपन अगर वहाँ पे घूमने जाते हैं तो अपने को पूरा दिखाएंगे कि हड़प्पा काल के अंदर कैसे लोग रहते थे, किस तरीके की क्या चीजें थी, ये सब जो है वो भी यहाँ पर किया गया है। ये देखो ये पड़ता है नक्शा अपना, सिंधु घाटी सभ्यता का नक्शा ये है, और यहाँ पर देखो है लोथल।
रहे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ऑन मेन मेन है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये चले गए पाकिस्तान के अंदर। ये जब पाकिस्तान के अंदर चले गए, इसके बाद में भारत ने अपनी रिसर्च थोड़ी और तेज की, और इसके बाद में ये सब जो एरिया है वो सब निकाले गए हैं। आजादी के बाद में ये एरिया निकाले गए हैं। देखो लोथल जो है वो वन ऑफ द सदर्न मोस्ट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, गुजरात के भाल रीजन के अंदर पड़ता है, जो कि अब इसे गुजरात कहा जाता है। यहाँ से व्यापार जो है वो किसका होता था, देखो तो यहाँ से व्यापार जो हीरे पन्ने रत्न वगैरह हैं उनका होता था। कहाँ पर जाते थे तो देखो इसके नीचे कौन सी जगह पड़ सकती है, यहाँ पर पड़ सकती है अफ्रीका, और इधर पड़ सकता है अपना वेस्ट एशिया वाला ये रीजन ईरान और वाला। यहाँ पर जब सामान भेजना होता था तो ऐसे जाएंगे तो टाइम लगेगा, यहाँ से शिप से ऐसे चले जाते थे। टोटल तो मेन काम इसका ये। अब इसका जो क्या बोलते हैं उसको, डिस्कवरी किसने की, तो डिस्कवरी की आर्कियोलॉजिस्ट थे एसआर राव और इनकी टीम ने मिलकर के। टोथल का मतलब वो क्या, डिस्कवरी की खोज किसके द्वारा की गई, तो एसआर राव के द्वारा की गई। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, टोथल जो है ये कनेक्ट करता था एंशियंट कोर्स ऑफ द साबरमती रिवर को। इसका एक सैंपल पिक्चर ये इंटरनेट पर मुझे मिला तो मैंने यहाँ पर लगाया है कि देखो कुछ इस प्रकार से लोथल जो है वो हुआ करता था, ऐसा इमेजिनेशन है। कोई तो यहाँ पर दिख रहा होगा शिप्स आ रहे हैं, छोटी सी आपको कैनाल दिख रही होगी यहाँ पर, यहाँ से ये एंटर करते हैं, यहाँ से ये पानी लाया जा रहा है। जो आज पनामा कैनाल वाला कॉन्सेप्ट जो है यूट्यूब पे देखना आप, उसके अंदर इतना पानी नहीं है पूरा कि शिप जा पाए, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे ब्लॉक्स बना रखे हैं उन्होंने, एक के अंदर पानी भरते हैं शिप जाता है, फिर आगे जाता है, फिर पानी भरते हैं, ऐसे करके वहां से शिप को निकाला जाता है। ये सेम कॉन्सेप्ट लोथल के अंदर चलता था। तमिलनाडु के अंदर लॉन्च किया गया है ये जो गिद्ध होते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के 4 गिद्ध जो है, इन्हें बचाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक नया मिशन लॉन्च किया है। पहला सवाल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिद्धों को बचाने के लिए कौन से राज्य ने प्रोजेक्ट शुरू किया, तमिलनाडु के अंदर, कौन से राज्य के अंदर किया गया, तमिलनाडु। यहाँ पर यह कहा गया है कि 1993 से 2003 के दौरान लगभग 96% पॉपुलेशन जो है गिद्धों की वो खत्म हो चुकी है। गिद्ध जो है वो हमारे फूड वेब के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इन्हें वो स्केवेंजर्स कहा जाता है। अगर गिद्ध खत्म हो जाएंगे तो ये जो पशु खत्म हो रहे हैं, जो पशु मर जाते हैं उनको खत्म कौन करेगा आगे, वो लगातार सड़ते रहेंगे और ज्यादा प्रॉब्लम होती रहेगी और फूड चेन हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके कारण से इन्हें बचाना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर मेन प्लान कुछ ऐसा है कि केंद्र सरकार अब तक 2 प्लान लेकर के आई है। पहला प्लान जो है वो खत्म हो गया है, दूसरा प्लान अभी चल रहा है। इसके अंदर केंद्र सरकार ने कहा कि भैया हम तो सेव करेंगे ही करेंगे, पर हमारे साथ साथ में राज्य सरकार जो है उन्हें भी सेव करना चाहिए, राज्य सरकार को भी प्रोजेक्ट चलाने चाहिए। इसके कारण से अब तमिलनाडु जो है इन्होंने ये किया है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 जो स्पीसीज है, 4 प्रकार के जो गिद्ध है उन्हें हम बचाना चाहते हैं। इसके अंदर नाम आता है ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, दूसरा लॉन्ग बिल्ड वल्चर, तीसरा रेड हेडेड वल्चर और चौथा इजिप्टियन वल्चर। नाम थोड़े टफ है, एक बार में याद नहीं होंगे, एक दो बार पढ़िए। ऐसा आ सकता है कि ये गिद्ध जो है या ये जो वल्चर है वो किस एरिया के अंदर पाया जाता है, कई बार मैं ऐसे क्वेश्चन देख चुका हूँ। तो ये जो 3 पहले अपन ने देखे, ओरिएंटल व्हाइट बैक वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, ये भारत के अंदर ही पाए जाते हैं, और ये इजिप्टियन नाम से पता चल रहा है इजिप्ट का है, इजिप्ट से यहाँ पर आता है। और ये जो है अपने 3, ये भारत के नीलगिरी और सत्यमंगलम जो एरिया है यहाँ पर नेचुरली पाए जाते हैं, और इजिप्ट वाला है ये भारत के अंदर धर्मापुरी एक इलाका है तमिलनाडु के अंदर, वहां पर ये आता है। कुछ इस प्रकार से दिखते हैं ओरिएंटल व्हाइट बैक वल्चर, थोड़ी थोड़ी इसकी सफेद बैक है इसके कारण से इसे नाम दिया गया। दूसरा लॉन्ग बिल्ड वल्चर, गर्दन देखो थोड़ी सी लंबी है। के बाद में रेड हेडेड वल्चर, माथा इसका लाल है इसलिए कहा गया रेड हेडेड वल्चर, और ये छोटू इजिप्टियन वल्चर इजिप्ट से यहाँ पर आता है। तो ये 4 है, एक बार फिर से देखो फोटो, देखो इनके फोटो से याद रह जाएगा। तो यहां तक मजा आया, चलें आगे, ब्रेक चाहिए, आई नीड अ ब्रेक।
चलो आगे चलते हैं। कि मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल के अंदर है, कवर कर चुके हैं अपन। ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, सीबीआई को जनरल कंसेंट। अब क्या है सीबीआई को जनरल कंसेंट? सीबीआई, सबसे पहले सीबीआई का कोई स्पेसिफिक एक्ट कानून नहीं बनाया गया है। इसके लिए बनाया गया था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर। पहला सीबीआई का कौन सा एक्ट है? डीएसपीई एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये एक्ट जो है वो स्पेसिफिकली तो सीबीआई के बारे में बात करता नहीं है, इसके अंदर जाकर के सीबीआई को बनाया गया है। इसके कारण से प्रॉब्लम क्या आती है कि किसी भी राज्य के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन करना है सीबीआई को, तो वहां की राज्य से परमिशन चाहिए होती है, और इसे कहा जाता है कंसेंट। अब कंसेंट जो है वो दो तरीके से दिया जाता है, एक होता है जनरल कंसेंट और एक स्पेसिफिक कंसेंट, सहमति। जनरल कंसेंट कब? जब नॉर्मली मान लो सीबीआई ने कोई भी केस दर्ज किया, तो अब हर एक चीज के लिए उनको राज्य सरकार से पूछना पड़ता है कि इसके घर पे रेड मारनी है तो पहले पूछो, मतलब प्रोसेस काफी लंबा हो सकता है। तब जनरली राज्य क्या करते हैं कि कह देते हैं कि हाँ एक बार में ही आपको कंसेंट दे दिया, आपको जब आना है तब आओ, जिसके घर पे रेड मारनी है मारो, हमको बार बार डिस्टर्ब मत करो। ये हो जाता है जनरल कंसेंट। दूसरा होता है किसी केस स्पेसिफिक के लिए भी कंसेंट दिए जाते हैं। अब इश्यू क्या आ रहा है कि 2014 से सरकार हुई है चेंज केंद्र के अंदर, और कई कई राज्यों के अंदर अपोजिशन पार्टी की सरकार है। तो 2015 से ये इश्यू आ रहा है कि अब जो अपोजिशन पार्टी की सरकार है, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर चेंज हुई थी, तेलंगाना के अंदर, तो ये जब ओपोजिशन के आते हैं तो ये चलता रहता है कि सीबीआई को एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये केज्ड पैरट है, पिंजरे में बंद तोता है, मतलब जो केंद्र सरकार कहती है वो यही करते हैं, और ओपोजिशन पार्टीज की सरकार है वो भी कह रही है कि ऐसा काम कर रहे हैं। इसके कारण से कई राज्यों ने सीबीआई से कंसेंट हटा लिया। और अभी न्यूज के अंदर क्यों है? क्योंकि देखो दो राज्य जो है उन्होंने जनरल कंसेंट के बारे में चेंज किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पहले कंसेंट हटा दिया था, अब वहां पे किसकी सरकार है? एकनाथ शिंदे जी की, बीजेपी के साथ में, तो अब उन्होंने वापस से सीबीआई को कंसेंट दे दिया। और हैदराबाद कौन से राज्य की राजधानी है? मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु, केसीआर। केसीआर है मतलब तेलंगाना। तेलंगाना ने भी अब हटा लिया है कंसेंट। इसके कारण से ये न्यूज के अंदर है सीबीआई का जनरल कंसेंट। सेक्शन 6 जो है इस एक्ट का, वो ये पूरा बताता है कि भाई जो सीबीआई है इसको गवर्नमेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा ये सब। अब एक और चीज यहाँ पर आती है कि अगर कंसेंट हटा लिया जाए तो क्या सीबीआई के जो पहले से मामले चल रहे हैं वो चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। जो केस पहले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनमें पहले कंसेंट दिया गया था, वो वैसे ही चलते रहेंगे। नए केस रजिस्टर है वो नहीं हो पाएंगे, उसके लिए बार बार कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ऑर्डर दे देती है सीबीआई को कि आप इस केस के लिए जांच करिए, तब वहां पर कंसेंट है वो मायने नहीं रखता है। जैसे सुशांत सिंह केस हुआ था कोविड के टाइम पे 2020 वाला, उस समय पर याद हो तो कोर्ट ने वो ऑर्डर किया था सीबीआई को कि आप इसके अंदर जांच करिए। इसके कारण से जनरल कंसेंट जो है वो न्यूज के अंदर है। अब यहाँ पर क्या है कि पूरा मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए कि जनरल कंसेंट क्या है क्या नहीं है ये सब। अब एक और चीज यहाँ पर निकल कर आती है, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि अपना जो 26/11 अटैक हुए थे 2008 के अंदर, 26 नवंबर वाले के बाद में ये जरूरत महसूस की गई कि भाई जो आतंकवाद से रिलेटेड जांच है उसके लिए एक डेडिकेटेड एजेंसी होनी चाहिए। अब ये एनआईए बनाई गई, और इसका एनआईए का जो एक्ट है इसके अंदर स्पेसिफिकली किया हुआ है इसका जो क्षेत्राधिकार जुरिस्डिक्शन है वो पूरा रहने वाला है, मतलब पूरे भारत के अंदर है, इसको किसी के भी कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब विड्रॉल ऑफ कंसेंट, ये सब मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से राज्य ने कंसेंट हटाया, कौन से राज्य ने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब कहानी मैंने यहाँ पर लिख दी है। और देखो सबसे पहले शुरुआत 2015 के अंदर हुई थी। वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर जनरल है मिस्टर सुबोध जायसवाल, और एनआईए के डायरेक्टर है मिस्टर दिनकर गुप्ता। पर्सन इन न्यूज यहाँ से भी आ सकता है, वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? सुबोध जायसवाल। वर्तमान में एनआईए के डायरेक्टर जनरल कौन है? दिनकर गुप्ता। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, आप थे शायद इस क्लास में।
ब्लैकलिस्ट में दो ही है, नॉर्थ कोरिया और ईरान। एफएटीएफ बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि लिस्ट जारी करता है ग्रे और ब्लैक। और ये कहते हैं कि भाई ये जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, भारत के अंदर टेरर फाइनेंसिंग कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, अभी चल रही है, जब अपन पढ़ रहे हैं तब नई दिल्ली के अंदर हो रही है, ये क्या करते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है, दो नंबर का, एक नंबर में पैसे से किसी दूसरे देश से पैसा डाल करके वहां पर आतंकवाद करवाना, ये सब हरकतें की जाती है, तब वहां पर ये जो एफएटीएफ संस्था है ये दो लिस्ट जारी करती है, एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में बेसिकली उसे डाला जाता है चेतावनी देने के लिए कि हाँ गलत कर रहे हो, पाकिस्तान को इसके अंदर डाला हुआ था, और अब रिसेंटली ही पाकिस्तान और यूएस का वापस से प्यार उमड़ उमड़ कर आ रहा है, और एफएटीएफ बेसिकली संस्था है जो है वो यूएसए की है, और इसके कारण से पाकिस्तान को इससे बाहर कर दिया गया है। 2018 जून से पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट के अंदर था। तो एक सवाल आ सकता है कि कौन से संस्थान जारी करता है ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट? एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो ये जारी करता है। क्या है एफएटीएफ? इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सी सेट करती है। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ? तो जुलाई 1989 की जो G7 समिट हुई थी, इसके अंदर पहली बार बात की गई कि ऐसा कुछ करना चाहिए हमें। कॉम्पोजिशन क्या है? तो वर्तमान में 37 मेंबर जो है इसके अंदर है, भारत भी एफएटीएफ का एक हिस्सा बना हुआ है। हेडक्वार्टर देखो इसका कहां पर पड़ता है, ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, वहीं पर एफएटीएफ का भी हेडक्वार्टर बनाया गया है। ये जारी करते हैं दो लिस्ट, एक ग्रे और एक ब्लैक। वर्तमान में ब्लैक लिस्ट के अंदर सिर्फ दो देश ही है, ईरान और नॉर्थ कोरिया। और रिसेंट अपडेट, नॉर्थ कोरिया ने की है एक आईसीबीएम मिसाइल की टेस्ट, और इसकी वजह से यूएसए, साउथ कोरिया और जापान में शोक की लहर, क्योंकि वो बहुत डर चुके हैं। आईसीबीएम बेसिकली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक सीधा अटैक कर सकते हैं। भारत की कौन सी मिसाइल है? अग्नि 5। हमारी अग्नि 5 मिसाइल जो है वो आईसीबीएम है, मतलब 5,000 किलोमीटर की रेंज है उसकी, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ले जा सकते हैं। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हमारा गोडावन, राजस्थान का राज्य पक्षी जो है, ये भी न्यूज के अंदर था, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का कहना था कि हमारे यहाँ पर हालात काफी अच्छे हैं, इसकी वजह से आपका गोडावन जो है वो हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान वालों ने इसको खत्म कभी के कर चुके हैं, फिर भी ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हालात अच्छे हैं। वर्तमान में हमारे राजस्थान का जैसलमेर बाड़मेर वाला जो एरिया है, यहाँ पर पड़ता है डेजर्ट नेशनल पार्क, और इसी नेशनल पार्क के अंदर इनका कंजर्वेशन ब्रीडिंग करवाया जा रहा है, मतलब इसी नेशनल पार्क के अंदर अब ये बच्चे हैं। सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है इन्हें, जो उड़ सकता है, और मेन प्रॉब्लम ये आ रही है इनके खत्म होने की कि एक तो इंसान बहुत बेकार है, शिकार कर रहे हैं, दूसरा बिजली के तार, हाथी भी मर रहे हैं ये भी मर रहे हैं, इस हाई टेंशन लाइट्स जाती है और ये उसमें अड़के खत्म हो रहे हैं। वर्तमान में सिर्फ डेजर्ट नेशनल पार्क जो है यहाँ पर इसका कंजर्वेशन है वो चल रहा है। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वही स्टेट बर्ड है राजस्थान का, 95% इसकी जो पॉपुलेशन है वो राजस्थान के अंदर ही बची है, मतलब खत्म हो चुकी है, और सिर्फ 150 है वो ही अब बचे हैं, और वो भी राजस्थान के अंदर ही है। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसी है ये हमारे लिए, क्योंकि परीक्षा पूछ लेगी। अब देखो कौन कौन सा कहाँ कौन कौन सी टीम इसको करवा रही है, तो इंटरनेशनल फंड फॉर हाउबोरा कंजर्वेशन है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, ये जो है वो पैसा लगा रहे हैं यहाँ भैया, इसको मतलब बचाओ, इसके लिए ये सब चल रहा है। भारत ने अपनी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल जो है अग्नि प्राइम, इसका टेस्ट किया है। अग्नि रेंज अपनी काफी इंपॉर्टेंट रेंज है, अग्नि 5 अपने को बताइए आईसीबीएम है, और इसकी रेंज जो है वो कम रेंज रहने वाली है, इसकी जो है वो 1,000 से 2,000 किलोमीटर ही रहेगी। और मेन इसका ये है कि ये इसके अंदर राडार वाडार सब है, और ये फटाक से बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका टेस्ट किया गया। अब टेस्ट कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है डीआरडीओ की टेस्टिंग रेंज है अग्नि प्राइम की, अब्दुल कलाम आइलैंड जो है ओडिशा के अंदर, वहां पर। ओडिशा का बेसिकली बालासोर एक डिस्ट्रिक्ट है, और उस डिस्ट्रिक्ट का जो बीच है उसे कहा जाता है चांदीपुर बीच, और वहां पर टेस्टिंग रेंज बनाई हुई है डीआरडीओ की। ज्यादातर जो मिसाइल वगैरह अपनी टेस्ट होती है वो वहां पर की जाती है, चांदीपुर बीच की। एक और बात, भारत का एकमात्र बीच ऐसा है जहां पर आप समुद्र के ऊपर चल सकते हैं, वो ऐसा बीच है जो लगभग 15 से 20 किलोमीटर अंदर चला जाता है दिन के अंदर, वो
स्टार फिश वगैरह अपन ऐसे ही देख सकते हैं। मैं वहां पर गया था तब देख के आया था, एकदम अंदर चला गया और वापस शाम होते होते पानी वापस से आ रहा था उस जगह पर। तो पेपर के अंदर मिसाइल आए, कहाँ पर इसका टेस्ट हुआ, और ऐसे दुनिया खराब लगने लग गई हो कि अब क्या होगा। तो 95% चांसेस ये है कि वो DRDO की जो टेस्टिंग रेंज है, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा, वहां पर उसकी टेस्टिंग हुई होगी। जैसी दिखती है अग्निप्राय मिसाइल। और इसरो ने वन वेब कम्युनिकेशन एक कंपनी है जिसके सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए हैं, यहाँ पर उपयोग में लिया गया है GSLV-MK3। इसरो का सबसे हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है ये, और अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है LV-M3 M2। तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि GSLV का नया नाम, MK3 का नया नाम क्या कर दिया गया है? LV-M3 M2 कर दिया गया। अब ये वन वेब कम्युनिकेशन क्या है? तो एक लंदन बेस्ड कंपनी है जो कि सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। सैटेलाइट से इंटरनेट अपना इलॉन मस्क है, उसकी कंपनी भी प्रोवाइड करती है, स्टार लिंक कंपनी है उसकी। स्पेस एक्स तो रॉकेट भेजती है। स्टार लिंक कंपनी जैसे ही वन वेब है, और अपना जो भारतीय एयरटेल है इसका मेजर स्टेक इसके अंदर है। इसरो का कौन सा यूज किया गया है? GSLV-MK3, अब इसका नाम LV-M3 M2 कर दिया गया है। कौन सी कंपनी? वन वेब कम्युनिकेशन। कितने सैटेलाइट? 36 सैटेलाइट। वन वेब जो है वो प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी है। करंट चेयरमैन इसरो के वर्तमान में S. सोमनाथ है। यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ये जो व्हीकल है ये हैवीएस्ट है, 8,000 किलो तक की कैपेसिटी है इसकी ले जाने की, GSLV-MK3 की। भारत में कौन सी प्राइवेट कंपनी का वो लॉन्च किया गया रॉकेट? ऐसी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रोजाना मेरे यूट्यूब पे आती है। स्काई रूट कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड। इसका रॉकेट है विक्रम-S, से अभी कल ही लॉन्च किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई प्राइवेट कंपनी अपना रॉकेट स्पेस के अंदर लॉन्च कर रही है। स्पेस एक्स तो इलॉन मस्क वाली है, वो यही तो काम करती है। अमेरिका बेस्ड कंपनी है, उसका फैल्कन 9 रॉकेट काफी फेमस है, और वो रिकॉर्ड भी बना चुके हैं कि एक ही साल के अंदर 37 ले गए वो स्पेस के अंदर। भारत ने अब अपना स्पेस एरिया जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला है। स्काई रूट कंपनी विक्रम-S, हो सकता है पूछ ले, पहली बार ऐसा हुआ है। और दिव्य दीपोत्सव आयोजित करवाया गया था अयोध्या के अंदर। अयोध्या से कौन सी नदी बहती है? सरयू नदी। सरयू नदी के घाट है राम की पैड़ी, वहां पर 15.76 लाख जो मिट्टी के दिए हैं वो दीपावली के अवसर पर जलाए गए थे, और इसकी वजह से अयोध्या जो शहर है इसका ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। दिव्य दीपोत्सव अयोध्या के अंदर हुआ है। के बारे में देखो, ब्रेकिंग इट्स ओन रिकॉर्ड, अयोध्या बैग्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैंप्स। 15.76 लाख मिट्टी के दिए एक साथ में जलाए गए हैं, और इसके कारण से अयोध्या को ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। प्राउड फील कर रहे होंगे, अपन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया है। मिस्टर ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर, पार्टी इनकी है कंजर्वेटिव पार्टी, और फर्स्ट एवर नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर है। पहले भी रह चुके हैं यहाँ के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। ब्रिटेन के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, 42 ईयर्स ही सिर्फ एज है इनकी, और पहली बार ऐसा हुआ है। चाहते तो ये नहीं थे कि बनाया जाए, पर फिर भी अब इन्हें बनाना पड़ा, कोई और चारा नहीं था। इससे पहले कौन थी पीएम? इससे पहले बोरिस जॉनसन को गंगा गिफ्ट करने की काफी जरूरत। और मिस्टर हरमनप्रीत सिंह जो है ये अब इंडियन हॉकी टीम के नए कैप्टन बनाए गए हैं। सीधा सवाल, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन मिस्टर हरमनप्रीत सिंह, 22 मेंबर की ये टीम जाएगी। यहाँ पर मनप्रीत सिंह जो है वो वाइस कैप्टन बनाए गए हैं इंडियन हॉकी टीम के। थॉमस एम दिवासिया पैनल बनाया गया है IRDAI के द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। क्या करेंगे ये? रूरल पॉपुलेशन जो है वहां पर इंश्योरेंस जो है वो थोड़ा और पेनिट्रेशन हो, इसके लिए बनाया गया है। तो अपने सीधा सवाल आएगा, थॉमस एम दिवासिया कमेटी किससे संबंधित है? तो ग्रामीण जो जनता है वहां पर इंश्योरेंस कैसे दी जाए, इससे संबंधित है थॉमस एम दिवासिया पैनल। अब इसके बारे में देखो पूरा लिख दिया है। IRDAI ने 24 मेंबर की एक कमेटी बनाई है, ये बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं रूरल पॉपुलेशन इंश्योरेंस के लिए।
ये सब के लिए, यहाँ पर बीमा विस्तार इन सब का नाम भी आया है। अपने को याद रखना है थॉमस एम देवासिया पैनल किससे संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है वहां पर इंश्योरेंस किस तरीके से और दी जा सकती है इससे संबंधित। और वर्तमान में एडाई के करंट चेयरमैन है देवाशीष पांडा, हेडक्वार्टर है इनका हैदराबाद के अंदर। ये है मिस्टर देवाशीष पांडा, ये नहीं है। और मुलापेरिया डैम भी न्यूज के अंदर था, केरला और तमिलनाडु के बीच के अंदर ये पड़ता है। बेसिकली केरला के अंदर बनाया गया है मुलापेरिया डैम। न्यूज के अंदर क्यों है, क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक टेक्निकल कमेटी बनाई है। ये कमेटी क्या करेगी कि इमरजेंसी एक्शन प्लान बना रही है कि अगर ये डैम जो है वो इतना पुराना है, 100 साल से पुराना डैम है, अगर ये टूट जाए तो क्या हालात होंगे हमारे। तो मुल्ला पेरियार डैम जो है वो मुल्लायार और पेरियार जो नदियां हैं इनके ऊपर बनाया हुआ है, केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देखिए यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर है अपना पेरियार टाइगर रिजर्व, ये है मुल्ला पेरियार डैम, और ये है हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट भी। अब इसको मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ करता है तमिलनाडु, और है ये केरला के अंदर, इसके कारण से न्यूज के अंदर है। कौन सी नदियां, मुल्लायार और पेरियार नदियां, इनके ऊपर है ये। और ये अपन पहले ही मैं बता चुका हूँ, इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल जो है वो ओडिशा के चंद्रभागा बीच पर हो रहा है, और ब्रांड एम्बेसडर मैंने कहा था ना सुदर्शन पटनायक, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर है। कब से कब हो रहा है, 1 से 5 दिसंबर हो रहा है। कौन सा बीच, चंद्रभागा बीच। इसराइल लेबनान का मेरीटाइम डील हुई है, इसराइल लेबनान बेसिकली मेडिटेरेनियन सी जो है यहाँ पर इनकी ओपनिंग है। एक तरीके से दूसरे के जानी दुश्मन है, लड़ते रहते हैं, पर अब इनको क्या करना है कि मेडिटेरेनियन सी से निकालनी है गैस, और इसकी वजह से यूएस से आया बीच के अंदर, और इन्होंने यूएसए के थ्रू एक डील कर ली कि हाँ हम अब लड़ेंगे नहीं गैस के मामले में, तो पैसा चाहिए हमारे को। इसके कारण से ये एक दूसरे के साथ मिल गए। अब ये क्या करेंगे, इसराइल अपनी जो सहमति पत्र है वो यूएसए को देगा, लेबनान अपना सहमति पत्र भी यूएसए को देगा, फिर यूएसए कहेगा आपा दोनों भाईला, ऐसे करके काम चला। अब इसराइल लेबनान क्यों कर रहे हैं, तो ये पड़ता है यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के अंदर काना गैस फील्ड और कारिस गैस फील्ड, और ये जो लाइन 23 बैंगनी कलर के अंदर दिख रही है, यहाँ से इनको निकालनी है गैस। इसकी वजह से ये पूरी डील जो है वो हुई है लेबनान और इसराइल के बीच। वैसे आ सकता है कि हाल ही में भूमध्य सागर से गैस निकालने के लिए कौन से देशों के बीच संधि हुई, इसराइल और लेबनान के बीच में संधि हुई है। काना गैस क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी के अंदर पड़ता है। ये कुछ अपना मिडल ईस्ट का मैप है, यहाँ पर ये देखो ये हो गया इसराइल, यहाँ पर हो गया लेबनान, एकदम पड़ोसी देश है। और इलॉन मस्क जो है इन्होंने खरीद लिया है ट्विटर को, मस्क जो है इन्होंने 44 बिलियन की डील की है, सोशल मीडिया गायन पूरी इन्होंने खरीद ली है ट्विटर। और जैसे ही आई वैसे ही भारतीय मूल के सीईओ थे मिस्टर पराग अग्रवाल, इनको रवाना कर दिया। सीएफओ नेट सेगल, लीगल हेड विजया गडे, इन सबको इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मस्क के पास में एज वी ऑल नो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, वो इलॉन मस्क की है। इसके अलावा इनकी एक और कंपनी है स्पेस एक्स, स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क, स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क, ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क। अब लोग इनको आए जैसे ट्विटर पर लिख रहे हैं कि आप ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जीईएसी जो है इन्होंने भारत के अंदर कमर्शियली यूज करने के लिए सरसों की जो जीएम क्रॉप है उसे मंजूरी दी है। जीएम क्रॉप मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तब जो सामान्य सरसों होती है इसका जीनोटाइप फिनोटाइप चेंज करके मतलब थोड़ा और प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। मान लो अभी 1 बीघा के अंदर मान लो 100 किलो सरसों होती है, तो अब इसके बाद में थोड़ा प्रोडक्शन और इंक्रीज होगा। अब इसके पीछे बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से है कि 2017 के अंदर भी अप्रूवल दिया गया था जीईएसी के द्वारा, और पर्यावरण मंत्रालय जो है इन्होंने खत्म मतलब मंजूरी नहीं दी। अब इसके बाद में क्या हुआ, एक बार फिर से दिया है। अब मेन बैकग्राउंड ये है कि भारत सरकार चाहती है कि अपन अभी खाने का जो तेल है वो काफी इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं तो अपने को चाहिए डॉलर। डॉलर अब जितना निकालेंगे उतना अपना रुपया गिरता जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो अपना सीएडी वो भी बढ़ता जाता है। इसके कारण से सरकार चाहती है कि भाई इससे प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा होगा, सरसों का तेल ज्यादा होगा तो इससे थोड़ा डॉलर कम निकालना पड़ेगा, इसके लिए ये दिया गया। तो यहाँ पर एक
नाम आता है DMH11। ये बीज है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इस बीज को अप्रूवल दिया गया है कि कमर्शियली इसको इस्तेमाल करिए, पर यहां पर ऐसा नहीं है कि अभी सभी किसानों को ये देने की बात की गई थी। ये किया गया कि ICAR जो है के कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ कुछ एरिया के अंदर इसको उगा करके इसकी टेस्टिंग की जाएगी 4 साल के लिए, और अगर जरूरत पड़ती है तो 2 साल के लिए और अप्रूवल दी जाएगी। DEAC कौन से मंत्रालय के अधीन आती है? तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है पर्यावरण मंत्रालय इसके अधीन आती है। वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है? मिस्टर भूपेंद्र यादव। COP27 कहां पर हो रही है? शर्मल शेख इजिप्ट, और इस बार भारत की तरफ से वहां पर हिस्सा वो ही ले रहे हैं। COP27 में मैंग्रोव अलायंस भी हुआ है, आगे की क्लासेस के अंदर करेंगे। भारत के अंदर वर्तमान में GM कॉटन जो है, नरमा जो है, इससे ही एकमात्र ये ऐसी GM क्रॉप है जिसे मंजूरी मिली हुई है, और भारत के ये 6 राज्यों के अंदर इस तरह जो ये GM क्रॉप है नरमा, इसकी खेती की जाती है। और C-295 एयरक्राफ्ट बनाने का प्लांट भी गुजरात के वडोदरा के अंदर लगाया गया है। यहाँ पर टाटा जो है वो एयरबस कंपनी के साथ में मिलकर के ये प्रोजेक्ट लगा रही है। सवाल आ सकते हैं C-295 एयरक्राफ्ट का प्लांट कहाँ पर लगाया गया? वडोदरा के अंदर। टाटा ने किसके साथ मिलकर लगाया? एयरबस के साथ में मिलकर के। C-295 बेसिकली है तो ये काफी मतलब वो भार उठा सकता है, हाई एल्टीट्यूड पे भी उड़ सकता है, इसके इसके कारण से महत्वपूर्ण है। और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है C-295 एयरक्राफ्ट, और ये आप सभी के लिए है। आपको कुछ भी अभी तक समझ नहीं आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आपके पास में 10 मिनट है, क्लास से बाहर मैं यहीं पर हूँ, अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो। इसके अलावा मैंने मेरे वो सोशल मीडिया हैंडल्स आपके साथ में शेयर कर दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अपनी क्लास हुई है तब तक ही अपन है, लास्ट मिनट तक जो भी मुझे लगेगा इम्पोर्टेंट है वो मेरे यूट्यूब पे मैं डालता रहूँगा, मेरे टेलीग्राम पे क्वेश्चंस डालता रहूँगा, जहाँ मुझे लगता है कि ये रह गया है वो सब कुछ मैं उसके ऊपर डालूंगा। कोई भी आपकी क्वेरी है आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, मेरे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। आज की सेवाएँ होती है यहीं पर समाप्त, अभी तक आप मेरे साथ में बने हुए हैं इसलिए ये आपके लिए। हाँ, स्पोर्ट्स पे मैं सोच रहा हूँ कि स्पोर्ट्स आपके इसके अंदर आते हैं, तो पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि मेन फोकस अपन रखेंगे 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स, ठीक है? और इस पहले अपन मंथ वाइज करते जाएंगे, जैसे अपन ठीक है अपन मेन मेजर इवेंट है वो, ठीक है, तो वो भी अपन मेन मेजर इवेंट जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि अपन एक सेपरेट क्लास के अंदर करें स्पोर्ट्स के। इसके अलावा मेन फोकस यहाँ पर रखेंगे 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स का। अभी अपन ने कर लिया अक्टूबर के, लगभग अपन 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है अपने को, वो मैराथन क्या पता नहीं कौन कौन सी क्लास हो गई है। अभी तक कुछ भी नहीं आया तो आप आराम से पूछ लेना, एक बार ये PDF आपको मिल जाएगी तो ढंग से पढ़ लेना, और भी कुछ लगता है मुझे तो वो भी मैं ऐड करता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं।